ओके दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया, स्वागत करता हूं आपका इस सेशन में ऑन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग फॉर सीएसीएमए इंटर। क्या आप कुछ नया सीखने को तैयार है? देन लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सो दो लेक्चर्स हो चुके हैं एंड बहुत मजा आ रहा है आप लोग को पढ़ाने में। आई एम श्योर आप लोग को पढ़ने में भी मजा आ रहा होगा। एंड बस ऐसे ही, जैसा मैंने कल बोला था, हंसते हंसते कट जाए रास्ते। जिंदगी यूं ही चलती रहे। सो फर्स्ट दो सेशंस, फर्स्ट सेशन था बेसिक जनरल इंट्रोडक्शन का। कल अपन लोग ने कुछ कॉन्सेप्ट्स इनबिल्ट करने की कोशिश की है। जैसे कल जो कॉन्सेप्ट अपन ने अपने दिमाग में इनबिल्ट किया, दैट वाज कॉस्ट शुड ऑलवेज बी चार्ज्ड बेस्ड ऑन कंसम्पशन। और मानते हो कि नहीं उस बात को, या याद रखने की जरूरत है या ऑटोमेटिकली हो जाएगा? सर आप समझ गए हैं। तो तीन एग्जाम्पल कल अपन लोग ने किए थे। सबसे पहला एग्जाम्पल था मेरा रिलेटिंग टू रेस्टोरेंट, राइट? तीन फ्रेंड्स जो जाते हैं एक रेस्टोरेंट में और वहां पे उनका फूड कॉस्ट आता है अप्रोक्सीमेटली 1500 रुपीज, एंड व्याज भी है, लॉजिकल है कि वो तीन जन में डिवाइड हो जाएगा इक्वली 500 500 500। बट लॉजिकली अगर मैं सोचने जाऊं, रैशनली अगर मैं सोचने जाऊं, तो जिसने जितना खाया पे तो उसको उतना ही करना चाहिए ना। बट ऐसा होता नहीं, एंड दैट्स वेयर अपने को एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट, एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट एंटर करने की जरूरत है और बताने की जरूरत है कि बॉस तरीका कॉस्टिंग का यही होगा कि जितना जो कंज्यूम कर रहा है उतना वो पे करेगा, उतना उसको कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा। ठीक है, फ्रेंड्स की बात थी तो आपने मुझे कहीं ना कहीं बोल दिया कि सर प्लीज हम आपके जैसे चिंदी नहीं है, हमारा दिल बड़ा है। कोई बात नहीं, मैंने सुन के ले लिया। बट जब मेरा सेकेंड एग्जाम्पल आया रिलेटेड टू बैंक एटीएम, तब तो आप कुछ ना कह पाए। बैंक्स भी आज की तारीख में, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बैंक्स भी आज की तारीख में ये गलती कर रही है, क्योंकि उनके पास शायद आप जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की कमी है। बैंक भी क्या करती है बताए, आपके पेरेंट्स के कभी बैंक स्टेटमेंट में झांक के देखना, या आपके पास अगर बैंक स्टेटमेंट होगा आपके बैंक स्टेटमेंट में झांक के देखना, डेबिट या एटीएम कार्ड चार्जेस डेबिटेड सेम अमाउंट होता है, ₹200 ₹2000। पूरे जितने भी बैंक के पास कस्टमर्स है सबको एक ही ₹2000 का एटीएम चार्जेस डेबिट कर दिया जाता है। क्या ये सही है? क्या ये इंसाफ है? एब्सोल्युटली नो, स्पेशली फॉर पीपल लाइक ए कार्तिक, जिन्होंने अपना पूरा सेटअप किया हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, जो इंडिया में एक बार भी नहीं आया, जिसने एचडीएफसी बैंक इंडिया का एटीएम एक बार भी यूज नहीं किया, बट उसको भी उतना ही पे करना पड़ रहा है जितना कि बाकी को जो रोज यूज कर रहा है उसको। ये कहां का इंसाफ है माय लॉर्ड, ये कहां का इंसाफ है? सो डेफिनेटली दैट इज वेयर अगेन वी विल गेट इन टू दैट। ओम पंकज मदियार बोल रहा है, सर बैंक पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट फिक्स करके बैंक चार्जेस अप्रोप्रिएटली नहीं लगा सकता क्या? लगा सकता है ना। पर ओम पंकज, यही तो बात अपने को बतानी है बैंक्स को, समझ रहे हो? यही तो गलतियां हो रही है ना, यही तो अपन बता रहे हैं कि भाई कॉस्टिंग ऐसे होती है। अरे हर किसी को कॉस्टिंग आ जाती है ओम पंकज, देन इन दैट केस आपकी और मेरी जरूरत ही नहीं पड़ती ना, समझ रहे हो? सो दैट्स वेयर वी आर लर्निंग दीज थिंग्स, और फिर बाद में हम बिजनेस में प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करवाएंगे, जरूर करवाएंगे, राइट? थर्ड एग्जाम्पल था मेरा पर्सनल एग्जाम्पल, जहां पे लिफ्ट का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि बॉस जितने भी लोग लिफ्ट में आ रहे जा रहे, जो जो फ्लोर पे जा रहा है जितना कंजम्पशन हो रहा है उतना ही चार्ज लगना चाहिए। मैं आपको और एक एग्जाम्पल देता हूं ये लिफ्ट का कैसे सीन होता है, ठीक है? प्रैक्टिकली क्या हो चुका है, तो ये वाला जो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया ना लिफ्ट का, एक तो मेरे पर्सनल लाइफ का था, दूसरा है मेरे क्लासेस लाइफ का। तो बॉम्बे में मेरी क्लासेस है समझो, एंड यहाँ पे थर्ड फ्लोर पे मेरा क्लास है, बाकी सब फ्लोर पे, तो फर्स्ट फ्लोर पे सेकेंड फ्लोर पे कमर्शियल ऑफिसेस है, समझो 5 फ्लोर की बिल्डिंग है, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर फोर्थ फ्लोर फिफ्थ फ्लोर पे कमर्शियल ऑफिसेज है। जैसे ये एक सीए का ऑफिस हो गया, ये एक टूर्स एंड ट्रेवल्स वाले का ऑफिस हो गया, ये किसी और का, किसी स्टॉक एक्सचेंज वाले का हो गया, ऐसे सबके ऑफिस है। अब आप मेरे को बताओ, मेजॉरिटी यूसेज ऑफ लिफ्ट हम लोग के बिल्डिंग में कौन करता होगा, आप मेरे को बताओ? थर्ड फ्लोर पे मेरा क्लासेस है और मेरे क्लास में मेरे पास टोटल 300 स्टूडेंट्स के बैठने का कैपेसिटी है,
300 स्टूडेंट्स का बैठने का कैपेसिटी है। तो एवरी डे मेरे यहाँ पे दिन भर लेक्चर चालू रहते हैं, सुबह 7 बजे चालू होते हैं, रात को 9 बजे तक, 7 से 10 कोई बैच हो गया, फिर बाद में 11 से 4 एक बैच हो गया, 4 से 9 एक बैच हो गया, कंटिन्यूअसली स्टूडेंट्स आते रहते जाते रहते आते रहते जाते रहते हैं। तो ऑब्वियसली मेरे स्टूडेंट की वजह से इतना लिफ्ट कंज्यूम हो रहा है, और लिफ्ट का जो मेजर चार्ज होता है ना वो उसका इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट होता है, लिफ्ट का जो मेजर कॉस्ट होता है बेसिकली वो उसका इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट होता है। इलेक्ट्रिसिटी कब कंज्यूम होगा, जितना वो यूज होगा उतने उसके बेसिस पे, बराबर है कि नहीं। तो अब मैं आपको बोल रहा हूं, हमारे जो बिल्डिंग है, हमारा जो बिल्डिंग है जहां पे मेरी क्लासेस है, वहां पे अगर 50,000 का बिल आता है ना, तो हमारी बिल्डिंग क्या करती है पता है, 50,000 डिवाइड बाय 5, हर फ्लोर पे एक एक ऑफिस, एंड 10,000 रुपीज चार्ज कर देती है। मैं बोल रहा हूं ये भी तो गलत ही है भाई, 50,000 का सोसाइटी के लिफ्ट का बिल ही इसीलिए आ रहा है क्योंकि मेरे बच्चे इतना कंज्यूम कर रहे हैं उसको। बाकी कोई सीए की ऑफिस वाला तो हार्डली दिन में एक बार कोई यूज करता होगा, टूर्स एंड ट्रेवल्स वाले को भी कोई इतने लोग आते जाते नहीं है, फोन पे सब हो जाता है, स्टॉक एक्सचेंज वाले का भी यही सीन है। तो 50,000 का बिल ही मेरी वजह से आ रहा है, बट फिर भी मुझे भी उतना ही पे करना है जितना वो टूर्स एंड ट्रेवल्स वाले को पे करना पड़ रहा है, जितना वो सीए को पे करना पड़ रहा है, बहुत ना इंसाफी है। मैं वही बोल रहा हूं कि यहां सब जगह पे कॉस्ट टेक्निक्स गलत तरीके से यूज हो रही है, एंड देयरफॉर वी एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैव टू पिच इन एंड फाइंड आउट न्यू वेज, बेटर वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, एंड बस वही मैं आप लोग को ये पूरी जर्नी में सिखाने वाला हूं। ए समझिगड़ू डन। सो ऐसा सिनारियो है, तो ऐसा नहीं है कि बस मैं मेरा ही यहाँ पे मेरा पर्सनल वाला ही देख रहा हूं, मैं इन जनरल भी आपको बता रहा हूं कि ऐसे सिस्टमैटिकली। अब अगर वो सब जितने भी स्टूडेंट्स थर्ड फ्लोर पे आ रहे, जितने लोग उसको लिफ्ट को यूज कर रहे हैं, उस हिसाब से अगर चार्ज करना चालू करे ना, तो इमीडिएटली मैं ही एक बोर्ड लगा दूंगा, स्टूडेंट शुड नॉट यूज लिफ्ट फॉर गोइंग ऑन द थर्ड फ्लोर। क्योंकि भाई वो जो स्टूडेंट यूज करेगा उसका फीस आएगा, उससे ज्यादा तो मेरे को मेरा सोसाइटी वाला लिफ्ट का बिल मार देगा, समझ रहे हो। तो उससे ऑटोमेटिकली सोसाइटी का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो भी कम हो जाएगा, हमारे बच्चों का भी हेल्थ बढ़ जाएगा। बट दैट इज नॉट बीइंग डन, अच्छी बात है मेरे लिए, तो मैं तो स्टूडेंट को बोलता हूँ पर वो भाई लिफ्ट यूज करो, क्या फर्क पड़ रहा है, अपने को भी 10,000 पे करना है, वो जो नहीं यूज कर रहा है उसको भी 10,000 पे करना है। गलत है, बट ये गलत चीजें हो रही है, वो क्यों हो रही है, क्योंकि लोगों को कॉस्ट चीज की, कॉस्ट अकाउंटिंग की, कॉस्टिंग की, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की आइडिया ही नहीं है ये सब चीजों के कॉन्सेप्ट्स का, एंड दैट्स वेयर वी विल अंडरस्टैंड देम एंड पुट इट इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ, जिससे अपन एटलीस्ट सही चीजें सही तरीके यूज करें। गॉट इट। फिर मैंने आप लोगों को कल बताया था कि कैसे फाइनेंशियल अकाउंट्स जो है वो टोटलिटी के ऊपर देखता है, टोटल सेल्स कितना हुआ, भावनाओं में बह गया मैं थोड़ा, टोटल सेल्स कितना हुआ, टोटल परचेजेस कितना हुआ। अरे भाई उसमें अगर मैं देखता हूं तो इंडिविजुअल प्रोडक्ट सी को तो लॉस हो रहा है, बट वो मेरे को कभी फाइनेंशियल अकाउंट बता ही नहीं पाएगा, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंट टोटलिटी पे देखता है, और इसीलिए मुझे कॉस्ट अकाउंटिंग की जरूरत है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करेगा पता है, प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी देखेगा, और वो प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी देख के बताएगा यार सुन मोबाइल सी सही नहीं कर रहा है, उसको निकाल दे, तेरा प्रॉफिट 1,00,000 से बढ़ जाएगा, जिससे मेरे को डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रहा होगा। अभी अंडरस्टैंडिंग गाइस, सो दैट्स वेयर कॉस्ट अकाउंटिंग अपनी जगह पर है, बहुत इंपॉर्टेंट है जैसा मैंने आपको बोला, एंड उससे कैसे बिजनेस करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। बाय द टाइम यू आर डन इंटरमीडिएट के सब चैप्टर्स कर लो, फाइनल के में भी जब आओगे मैं आपको सब प्रैक्टिकली बताऊंगा, जब तक आप सीए बनोगे ना, बिजनेस धंधा कैसे करना है वो आपका भाई आपको पूरी तरह से सिखा चुका होगा, एंड दैट्स व्हाट यू आर हियर फॉर। Am I right? Correct? कितने कितने लोग है यहाँ पे जो चाहते हैं कि मैं यस मेरा खुद का कोई बिजनेस हो, कितने लोग ऐसे, अगर आप ऐसे हो जिसको खुद का बिजनेस करना है बॉस, देन सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपके लिए यही है। मैंने मार्क्स के लिए तो बोला ही है भाई, ये 90-100 वाला तो है ही, बट उसके अलावा भी अगर आपको खुद का बिजनेस चालू करना है, देन इन दैट केस बॉस दिस इज व्हाट इज गोइंग टू टीच यू द रियल बिजनेस। ये आपका अकाउंटिंग और वो सब क्या करेगा बताए, आपको मुनीम बनाएगा, ये आपको धंधा करना सिखाएगा, ये आपको डिसीजन लेना सिखाएगा, ये आपको डिसीजन मेकिंग स्किल सिखाएगा ये सब्जेक्ट। जी हाँ,
चलो बहुत बढ़िया, आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीबॉडी वॉन्ट्स टू गेट इन टू बिजनेस। चलो ठीक है, तो उसी बात पे आज अपना एक नया सेशन स्टार्ट हो रहा है जिसमें अपन बताने वाले हैं एक नया चैप्टर। तो अब तक बेसिक्स अपना हो चुका है, जैसा मैंने आपको बोला है कि हर बार क्या करेंगे अपन, जब भी कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसके पहले, या जब भी कोई नया लेक्चर या नया दिन स्टार्ट करेंगे उसके पहले जो हुआ हुआ है वो अपन रिकैप कर लेंगे। आई होप वो आप लोगों को पूरी तरह से रिकैप हो गया होगा। बोलो बोलो टेल टेल। सो एवरी डे 8 to 10 minutes वी विल पुट इन दैट रिकैप। है ना, एंड बाकी का टाइम नई चीज करेंगे अपन। चलो सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज अपन स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर, चैप्टर का नाम है कॉस्ट शीट। मैं आपको बता दूं कि जो भी चैप्टर मैं यहां पे आपको बता रहा हूं, जो मेरी बुक में ऑप्टिमाइज में है, वो सबका रेफरेंस ICAI का ही है। तो अगर मैंने यहां पे चैप्टर 6 कॉस्ट शीट लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ बताओ मुझे? करेक्ट, इसका मतलब ये हुआ कि इंस्टीट्यूट के बुक में भी, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में भी इसका नाम कॉस्ट शीट है। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात, ठीक है। सो वो आपको टेंशन लेना नहीं है कि सर मॉड्यूल में ये कहां मिलेगा, मॉड्यूल में भी ये चैप्टर 6 में मिलेगा। दूसरी बात, जितने भी थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट्स है हर चैप्टर में, देखो हर चैप्टर में इंस्टीट्यूट का अगर आप मॉड्यूल खोलोगे ना, तो वो पहले आपको थ्योरी बताएगा थोड़ा, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड आंसर्स बताएगा। वो जितना भी थ्योरी इंस्टीट्यूट ने दिया है अपने मॉड्यूल में, वो सारा का सारा 100%, ये तुमको 100% समझ में आता है, 100% ये बुक में कवर्ड है। तो आपको क्या सर अलग से मॉड्यूल खोलनी है क्या? नहीं सर, कोई टेंशन नहीं लेना, जितने भी सम्स इंस्टीट्यूट के है वो सब इसमें कवर्ड है, जितने भी पास पेपर और RTP है वो सब इसमें कवर्ड है। दोबारा मत पूछना, क्योंकि कई बार हो जाता है चैप्टर उसके बाद पूछते हैं सर मेरे को ये करने की जरूरत है क्या? अरे ना रे पुष्पा ना, जरूरत नहीं है तेरे को, ये हो गया ना, बस हो गया, ठीक है, 100 आ जाएगा। चल सो इसी बात पे कहानी को स्टार्ट करेंगे, नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। आइडियली तो सर चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करना चाहिए ना, बिकॉज कॉस्टिंग एक टोटली नया सब्जेक्ट है, समझ रहे हो भाई? कोई भी लॉजिकली अगर सोचे तो बराबर है, सर कॉस्टिंग तो एकदम टोटली नया सब्जेक्ट है, तो पहले आप चैप्टर 1 पढ़ाओ और फिर बाद में दूसरा कोई चैप्टर पढ़ा दो ताकि हमारा बेस सेट हो जाए। अपना तरीका ही अलग है भाई, अपना तरीका ही अलग है। मेरा सिस्टम क्या है पता है? मैं पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा एग्जांपल्स के थ्रू, और फिर वो जो भी टर्मिनोलॉजीज चैप्टर 1 में दी हुई है ना, वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर से निकलवाऊंगा, समझ रहे हो? पहले मैं, अदरवाइज कैसा हो जाएगा पता है? वो एकदम टिपिकल थियोरेटिकल बोरिंग वे हो जाएगा कि मैं आपको बता रहा हूं देखो कॉस्टिंग है ना ये होता है और इसका मतलब ये होता है, फिर मैं रीड करूंगा ना। नो, ये तरीका है ही नहीं अपना। अपना तरीका है कि चैप्टर 1 में क्या है, मैं आपको बता दूं चैप्टर 1 में, ठीक है, चैप्टर 1 में आइडियली इन्होंने क्या किया है, मैं आपको बता दूं चैप्टर 1 में इन्होंने टोटल एग्जांपल दे रहे, टोटल 20 कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन किए, ठीक है, टोटल 20 कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन किए। अब इसमें से 20 में से 3 कॉन्सेप्ट चैप्टर 2 रिलेटेड है, ठीक है ना, कुछ टर्म्स है जो चैप्टर 2 रिलेटेड है, फिर बाद में 2 कॉन्सेप्ट्स से चैप्टर 3 रिलेटेड है, से 2 कॉन्सेप्ट्स चैप्टर 6 रिलेटेड है। तो अब मैं क्या करूंगा आपको पता है क्या, मैं पहले सारे के सारे चैप्टर्स करवा दूंगा और फिर लास्ट में आपको बोलूंगा चलो ना अपन चैप्टर 1 पे चलते हैं। और जब आप वो चैप्टर 1 पे जाओगे तो आप बोलोगे अरे सर ये वाला कॉन्सेप्ट तो ये वाला चैप्टर 6 में अपना हो गया, सर ये वाला कॉन्सेप्ट तो ये वाला अपना चैप्टर 3 में हो गया, एंड ऑटोमेटिकली आपका चैप्टर 1 बाय डिफॉल्ट अपना ये बाकी सब चैप्टर्स करते करते ही हो जाएगा, अलग से उसके लिए अपने को लोड लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो दैट्स द अप्रोच आई एम गोइंग टू टेक, इससे आपको भी एक कॉन्फिडेंस रहेगा एंड थिंग्स विल गो इन अ वेरी स्मूथ मैनर। एंड ऑब्वियसली मैं पढ़ा रहा हूं ये सब्जेक्ट को तो मुझे पता है कि मेरे को कैसे कनेक्ट करना है, एंड चैप्टर 1 बेसिकली थ्योरी है, तो अब मैं थ्योरी से स्टार्ट करूं आपको बोर करूं नहीं, उससे अच्छा कुछ नया कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग सीखेंगे एंड देन फिर बैक कनेक्ट करेंगे, चैप्टर 1 भी करेंगे, बट मैं आपको बोल रहा हूं कब, लास्ट में। सोचो क्या बात है ना, चैप्टर 1 फर्स्ट चैप्टर
इन द लास्ट, बट लास्ट तो जब मैं वो फर्स्ट चैप्टर करवाऊंगा ना, तब आधे से ज्यादा चीजों का आंसर आप खुद ही बोलना चालू कर दोगे, क्योंकि हर हर चैप्टर के थ्रू थोड़े 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 सारे कॉन्सेप्ट उसमें कंप्लीट करवा दिया है. गॉट इट? चलो, सो अब उस नोट पे स्टार्ट करते हैं कॉस्ट शीट, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर. आपका कॉस्टिंग का जर्नी स्टार्ट भी कॉस्ट शीट से होता है, और मैं बोलूंगा एंड भी कॉस्ट शीट से होता है. इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये. सो डेफिनेटली इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो ICAI के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा. तो चलो आओ देखते हैं क्या इंस्टीट्यूट ने इसको इंपॉर्टेंट माना है क्या. जी हाँ, हर अटेम्प्ट में ICAI ने इसको 10 मार्क्स के लिए पूछा है. हर अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट ने इसको 10 मार्क्स के लिए पूछा ही पूछा है. मतलब आप समझ लो कि ये चैप्टर गारंटीड 10 मार्क्स के लिए आने वाला है. ये देखो, इधर भी मैंने ये वाला एक पूरा स्केड्यूल बनाया हुआ है चैप्टर 6 के लिए. सो एवरी अटेम्प्ट इनवेरिएबली 10 मार्क, 15 मार्क, 20 मार्क, ये सब मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने वैसे ये वाला शेयर किया हुआ है, वो आप लोग देख सकते हो. यहां पे समझो अपने को नहीं देखना है तो वी हैव अ बेटर सिस्टम एंड दैट इज आवर बुक. सो यहां पे आप देख सकते हो हर चैप्टर को, हर अटेम्प्ट में 10-10 मार्क के लिए यहां से आया हुआ है. सो ऑब्वियसली दैट मेक्स इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो जब ये इंपॉर्टेंट है तो क्या है एग्जैक्टली इस चैप्टर में? क्या मैं डायरेक्टली स्टार्ट कर दूंगा या अपन पहले कोई क्या लेंगे, बताओ मुझे जरा. अगर मुझे आपको कॉस्ट शीट या कॉस्ट शीट के बारे में कुछ एक्सप्लेन करना है तो मैं क्या करूंगा, आप मुझे सिस्टम बताओ तो जरा. मेरा सीधा कॉस्ट शीट एक्सप्लेनेशन चालू कर दूंगा क्या? करेक्ट. अपन स्टार्ट करेंगे एक एग्जाम्पल के साथ एंड देन कनेक्ट करेंगे कॉस्ट शीट के कॉन्सेप्ट पे. तो आओ एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल भी जैसा मैंने आपको बोला है आपके और मेरी लाइफ से कनेक्टेड होगा. स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल के साथ. तो एग्जाम्पल आप ही का है. आप समझो जैसे अभी से फॉर एग्जाम्पल मैं हूं मिस्टर संकल्प कांस्टिया, CA संकल्प कांस्टिया. देखो मैं कहीं पे भी जाता हूं ना ऐसे ही अपने आप को एड्रेस करता हूं, माय नेम इज CA संकल्प कांस्टिया. मतलब इतना अच्छा लगता है भाई साहब ये शो ऑफ करने में, दैट यस आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. भाई वो जो आंखों की चमक है ना अपने नाम के आगे चार्टर्ड अकाउंटेंट लगाने की, वो चमक ही कुछ और है. तो मेहनत करो, बोलते ना गोल्ड जितना तपता है उतनी उसकी चमक बढ़ती है, हीरा जितना तपता है उतनी उसकी चमक बढ़ती है. आप आज की तारीख में वो अनपॉलिश्ड गोल्ड हो, जितना अपने आप को तपाओगे यानी जितना मेहनत करोगे, आप आज की तारीख में डायमंड नहीं, आज आपकी तारीख में आप एक कोल हो, कोल, कोलसा, कोल होता है ना कोल, वो कोल जितना तपेगा, आप अपने आप को जितना मेहनत करोगे निखारोगे उतना डायमंड आपके लाइफ का शाइन करेगा, है कि नहीं? सो यस इट इज CA संकल्प कांस्टिया. बट फिलहाल मेरे कॉस्ट शीट के एग्जाम्पल में मैं उस टाइम की बात कर रहा हूं जब संकल्प कांस्टिया भी चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बना था, बट जब वो खाली 18 साल का था, विच इज योर एज, आई थिंक ऑलमोस्ट आप लोग सब लोग 18-19-20 साल की एज के ही हो गए. तो उन दिनों की बात है जब संकल्प भी 18-19 साल का एक नटखट बच्चा था आप जैसा, अपने माता पिता के ऊपर बोझ. सर हो तुम, उसमें क्या है, जब तक आर्टिकलशिप स्टार्ट नहीं होता, खुद की कमाई नहीं होती, तब तक क्या पैसा थोड़ी कमा रहे हो. कोई बात नहीं, मेहनत कर रहे हो वही उनके लिए सबसे बड़ी बात है. सो मैं कुछ आप लोग के जैसे 18-19 साल का था, एंड डेफिनेटली तब तक तो संकल्प कांस्टिया संकल्प कांस्टिया था, CA संकल्प कांस्टिया था नहीं, कोई बात नहीं. सो 18 साल की उम्र में क्या आप कुछ पैसा खुद से कमाते हो क्या? द आंसर इज नो. फ्रेंकली स्पीकिंग पॉसिबल नहीं हो पाता है ये चीज, क्योंकि अभी तो अपन पढ़ रहे हैं सर, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं. तो आपको अगर कुछ पैसा चाहिए तो आप क्या करोगे? चोरी करोगे, डाका डालोगे या क्या करोगे? क्या करोगे बताओ मुझे जरा, कम ऑन एवरीबॉडी. या संकल्प कांस्टिया को 18 साल की उम्र में अभी पैसा चाहिए, अभी वो कॉलेज जा रहा है, यू नो नए फ्रेंड्स, CA फाउंडेशन उसने क्लियर कर लिया है फर्स्ट अटेम्प्ट में, अब उसको और थोड़ा ऐसे ही एवरीडे कॉलेज जाने के लिए, खाने पीने के लिए, कुछ बुक्स के लिए, कपड़ों के लिए खर्चा चाहिए, तो वो क्या करेगा, कहां से लाएगा वो पैसा? करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट. एवरीबॉडी सेइंग सर सीधी सी बात है, आपकी एज में हम तो पेरेंट्स से मांगते हैं, आप भी अपने पेरेंट्स से मांगोगे. सही बात है. सो यूजुअली मैंने जो नोट किया है मैं आपको बोलता हूं, तो जो गाइज होते हैं ना वो जो पैसा मांगते हैं वो मम्मी से मांगते हैं,
ऐसा मैंने नोट किया है, वो नॉट ऑलवेज भी पॉसिबल। एंड जो गर्ल्स होती है ना, जैसे मेरी बहन है, वो मेरे पापा से पैसा मांगती थी, बट मुझे पता नहीं फॉर सम रीजन थोड़ा डर लगता था पापा से मांगने में, या लगता था यार पापा को कैसे बोलूँ पैसा देने के लिए। मम्मी को मैं एकदम बेधड़क बिंदास बोल देता, मम्मी चलो मुझे इतना इतना पैसा चाहिए, मुझे दे दो, मैं ये खर्चा करना है, बट पापा से नहीं मांगता था। और मेरी बहन उल्टा है, मेरी बहन जब मेरे पापा के पास जाती है तो बेधड़क बिंदास मांग लेती है, मैं देखते रहता हूँ, बट वही जब उसको मम्मी से मांगना होता है तो वो थोड़ा ये हो जाती है। आप लोग के साथ भी ऐसा कुछ होता है क्या? होता है? सो ट्रू, सो ट्रू। मतलब यूजुअली अगेन 10 में से 8 लोगों के साथ ऐसा होगा, 2 में इट इट वुड बी इनडिफरेंट, बट दैट्स हाउ इट इज। तो मेरा ऐसा कुछ था, तो मैं को अगर पैसा चाहिए होता था तो मैं मम्मी से मांग लेता था। तो क्या होता था, से फॉर एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल लेते हैं, Jan 1st है आज, ठीक है, तो आज मेरे को कॉलेज जाना है, तो मम्मी को फोन किया कि मम्मी, मम्मी को बोल दिया रात को कि मम्मी कल मेरे को कॉलेज जाना है, तो आप मेरे को है ना 100 रुपए दे दो, मेरे को थोड़ा ट्रैवलिंग के लिए लगेगा और खाना पीने के लिए। तो मम्मी ने 100 रुपए मेरे को दे दिए। फिर सेकेंड को मैं घर पे ही था तो कुछ लिया नहीं। फिर थर्ड को मेरे को बाहर जाना था फ्रेंड्स लोग के साथ, तो कुछ वापस से पैसा ले लिया। फिर फोर्थ को मेरे को कॉलेज में जाना था, कुछ कॉलेज की फीस भरनी थी, और मेरे मम्मी पापा थे आउट ऑफ स्टेशन। अब कॉलेज की फीस भरनी है, मम्मी पापा आउट ऑफ स्टेशन, मेरे पास कुछ पैसा नहीं, मैंने एकदम टेंशन खड़ा कर दिया। मैंने मम्मी को फोन किया, मम्मी मेरे को पैसा चाहिए दो। मम्मी बोली अरे हम लोग है नहीं, आउट ऑफ स्टेशन गए हुए कुछ काम से, अभी तेरे को कैसा दूं, 2 दिन रुक जा। फिर मेरे को कॉलेज में जैसे तैसे गया, मेरे पास तो पैसा पड़ा नहीं था। फिर मम्मी लोग 2 दिन बाद आए, फिर वो लोग से पैसा लिया, और मैंने तब हम लोग ने डिसाइड किया कि यार देख तू एवरीडे पैसा मांग रहा है, मेरे को मेरे पेरेंट्स ने बोला तू एवरीडे तेरा पैसा मांग रहा है, उससे बेटर है हम लोग है ना तेरे को एक मंथली कुछ अमाउंट दे देंगे। क्या आप लोग के साथ भी ऐसे ही कुछ होता है? ज्यादा बताओ मुझे कमेंट करके। हो रहा है राइट? सो राइट बस हम लोग ने भी फिर बाद में एज अ फैमिली डिसाइड किया कि सर ऐसा करते हैं भाई, तेरे को है ना तेरा एक मंथली पॉकेट मनी डिसाइड कर देते हैं, ताकि तू अभी ऐसे रोज रोज मांग रहा है, कभी मांगना भूल गया, कभी थोड़ा पैसा बचा रहा, ये वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसा कर, तू मंथली पैसा ले ले। इसको क्या बोल सकते हैं अपन, इसको क्या नाम दे सकते हैं? हाँ, अनुराग मित्तल ने सही जवाब दिया है सर, इसको पॉकेट मनी भी बोलते हैं। ओके ओके, सो अगर मेरे को मंथली कुछ पेमेंट चाहिए तो कैन आई से मैं घर वालों के पास जाऊंगा और उनको बोलूंगा कि ठीक है मम्मी पापा आज से आप मेरे को पॉकेट मनी देना चालू कर दो। करेक्ट, अनिकेश बोल रहे हैं सर हम तो घर से बाहर रहते हैं तो हमारे को भी मंथली आता है, एंड इरिस्पेक्टिव। अभी मैं तो घर से बाहर था नहीं, मैं तो वहां पे ही था, बॉम्बे में ही था, और वहां पे ही हम लोग के घर के साथ में था, बट फिर भी कई बार मम्मी पापा नहीं अवेलेबल हो, या ऑन द स्पॉट वो लोग के पास पैसा अवेलेबल नहीं हो, फिर मेरे को कुछ काम करना हो, तो इट बिकम्स अ डिफिकल्टी। सो इसलिए हम लोग ने सोचा कि यार ऐसा करते हैं मंथली पॉकेट मनी डिसाइड कर लेते हैं, तो स्टार्ट ऑफ द मंथ वो पॉकेट मनी मेरे को मिल जाता था। तो अभी से फॉर एग्जाम्पल आज 1st जन आया तो मैं मम्मी के पास जाऊंगा और बोलूंगा मम्मी मम्मी पापा पापा मुझे मेरा मंथली पॉकेट मनी दे दो। तुम लोगों को कितना पॉकेट मनी मिलता है जरा मुझे बताओ, तो पता तो चले आजकल के बच्चों को क्या मिल रहा है, कितना मिल रहा है। तो आप लोग को तो यार ये टाइम पे इतना पॉकेट मनी मिलता है। मैं आपको बता दूं, जब मैं अपना सीए का स्टडीज कर रहा था बोल लो, या फिर जब मैं पढ़ाई कर रहा था आर्टिकलशिप के जस्ट पहले, तो हमारे को तो यार इतना पॉकेट मनी नहीं मिलता था जितना आजकल तुम लोग को मिल जाता है। तो फिलहाल मैं मेरे ही एग्जाम्पल के हिसाब से, फिलहाल मैं मेरे ही एग्जाम्पल के हिसाब से इधर लिख देता हूं कि भाई चलो मेरे को ₹1,500 पर मंथ का पॉकेट मनी मिलता है, 1,500 पर मंथ का पॉकेट मनी मिलता है। ओके सो अगर मेरे को 1,500 पर मंथ का पॉकेट मनी मिल रहा है, अगर मेरे को 1,500 पर मंथ का पॉकेट मनी मिल रहा है, तो कह रहा है इसे अब ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस पॉकेट मनी में मैं पूरा का पूरा अपना मंथ गुजारू। करेक्ट, आई के नॉट आस्क फॉर मोर, और 1,500 यार अच्छा डिसेंट अमाउंट होता है, इससे ज्यादा मांगूंगा तो मम्मी पापा भी शक करेंगे, तो
बोलेंगे क्या भाई कहाँ पे जा रहा है, कहाँ उड़ा रहा है पैसा, 1500 से ज्यादा क्यों चाहिए तेरे को, तो 1500 सही लग रहा है अपने को। तो फर्स्ट जैन को मैं गया, मम्मी पापा से मांगे 1500 रुपए, मम्मी पापा ने मेरे को 1500, मम्मी ने बेसिकली मेरे को 1500 रुपए दे दिए। जैसे ही उन्होंने मेरे को 1500 रुपए दिए, जैसे ही उन्होंने मेरे को 1500 रुपए दिए, मैंने अपना खर्चा जो भी है चालू कर दिया। चलो चलो, ये बोल रहे हो सर बाबू के पास पैसा उड़ाएंगे, ओ भाई बाबू सोना जो भी है वो सब सीए के बाद। तो सर आपने तो सीए के टाइम पे भी बाबू सोना किया था? नहीं किया था भाई, हम तो हार्डकोर फोकस थे अपनी पढ़ाई के ऊपर। लव स्टोरी मेरी वाली फिर बाद में कभी कोई लेक्चर में बताऊंगा जब अपन बोर हो रहे होंगे, अभी तो स्टार्ट हुआ है चैप्टर, तो अपन फोकस करेंगे अपनी पढ़ाई के ऊपर। बाबू सोना वाले आए बड़े। चलो, सो 1500 रुपए पर मंथ की मेरी पॉकेट मनी है। अब होते गया पूरा महीना निकल गया, 31 जैन आ गया, 31 जैन हो गया, मेरे पास जो पॉकेट मनी था वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया। वापस से फिर मैं पॉकेट मनी कब मांगूंगा, कैन आई से 1 फेब को? तो 1 फेब को मैं वापस से गया मम्मी के पास और बोला मम्मी मम्मी पापा पापा प्लीज मेरे को पॉकेट मनी दे दो। मम्मी ने बोला यस ये ले 1500 रुपए तेरे को मैं दे रही हूं पर मंथ का पॉकेट मनी, बट 1500 रुपए तेरे को दे रही हूं पर मंथ का पॉकेट मनी, बट प्लीज एक बात ध्यान में रख कि टोटल जो तेरा खर्चा हो रहा है ना वो तो सिस्टमैटिकली कहीं पे रिकॉर्ड कर रहा है कि नहीं। मैंने बोला मम्मी क्या सिस्टमैटिकली, मेरे पास तो जो है वो मैं थोड़ा बहुत खर्चा कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में स्टोर करके रखा है मैंने, आप टेंशन मत लो। मम्मी बोली दिमाग में स्टोर करके रखा है मतलब क्या? फिर मम्मी ने बोला कि तू रुक बैठ इधर, 1500 रुपए मैं तेरे को अगले महीने का दू, उसके पहले इधर बैठ। मैं बोला हाँ मम्मी बोलो क्या हुआ। एकदम अपन मम्मी को ऐसे कभी अचानक बोल दे तो थोड़ा टेंशन में आ जाता है ना। तो मैं बोला हाँ मम्मी क्या हुआ, एकदम ऐसा मुंह कैसा छोटा हो जाता है ना अपना, मतलब आज भी होता है मेरा भाई, मैं तो इतना तुमसे बड़ा हो चुका हूँ फिर भी अगर अचानक से मम्मी कुछ बुला दे तो पुराने सब पाप याद आ जाते हैं, भाई क्या हो गया क्या हो गया, कुछ गलत तो नहीं किया? तो ऐसे ही कुछ मैं इधर बैठ गया, मम्मी ने बोला बैठ किधर खर्चा होता है तेरा बता। मैं बोला हाँ बताता हूँ ना आपको, तो देखो मेरा फर्स्ट जैन को है ना 50 रुपया मेरा गया ट्रैवलिंग में, 30 रुपए का मैंने खाना खाया, फिर सेकंड जैन को मैंने एक कॉस्टिंग का बुक लिया, थर्ड जैन को मैंने एक मेरा शर्ट खरीदा था अच्छा लगा था मेरे को ऑनलाइन टी शर्ट मंगा लिया, फिर फोर्थ जैन को मम्मी मैंने क्या किया था याद नहीं आ रहा है, फिफ्थ जैन को फिर मेरे एक फ्रेंड का बर्थडे था तो उसको एक छोटा सा गिफ्ट ला के दिया, फिर सिक्स जैन को अरे मैंने खाना खाया था, नहीं नहीं मैंने चाहे थोड़ा ट्रैवलिंग में गया था मैं, अरे नहीं नहीं 6 जैन को तो छुट्टी थी, अरे याद नहीं आ रहा है मम्मी। मम्मी बोली एग्जैक्टली, तो तू क्या कर रहा है, चीजों को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड क्यों नहीं कर रहा है? अगर तू उसको रिकॉर्ड नहीं करेगा तो तुझे ध्यान ही नहीं रहेगा तेरे पास कितना पैसा था, कितना खर्चा किया। फिर मम्मी ने पूछा अच्छा अच्छा चल मुझे बता, अभी 31 जैन को एज ऑफ आज 1 फेब है, तो 1 जैन से लेकर 31 जैन में 1500 रुपए तेरे को दिए, तेरे पास कितने रुपए बचे हैं? तो मैं मेरा देखने लगा वॉलेट और मुझे वो भी बराबर से समझ में नहीं आ रहा था, मम्मी शायद 100 रुपए बचे हैं, नहीं नहीं मम्मी ये 50 रुपए और है मम्मी, 150 रुपए है मम्मी, याद नहीं आ रहा है मेरे को कितने रुपए बचे हैं। एग्जैक्टली मम्मी बोली भाई तू क्या कर रहा है, अगर तू ऐसे ही रैंडमली काम करेगा तो तुझे कभी पता ही नहीं चलेगा कि तेरा खर्चा कहाँ पे हो रहा है कहाँ पे नहीं हो रहा है। तो आज से एक काम कर, तू हर खर्चा जो तेरा है उसको है ना थोड़ा सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड किया कर। मैंने बोला ठीक है मम्मी, आज से मैं मेरे खर्चे को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करूंगा। तो मैंने क्या चालू किया, 1 फेब से मैंने एक सिस्टम चालू किया, मैंने रिकॉर्ड करना चालू किया, मैंने लिखा कि ये देखो मम्मी मेरा आज 100 रुपए का खर्चा हुआ, मम्मी 2 फेब को मेरा 200 रुपए का खर्चा हुआ, मम्मी 3 फेब को मैं घर पे ही था मेरा कोई खर्चा नहीं हुआ, मम्मी 4 फेब को मेरा वापस 100 रुपए का खर्चा हुआ। ऐसे करते करते मैं रिकॉर्ड करने गया, मम्मी ने बोला कि अच्छा अच्छा गुड, तूने रिकॉर्ड करना तो चालू कर दिया है बट मुझे एक बात बता, ये 1 फेब को तेरा खर्चा हुआ कहाँ पे, कहाँ पे तूने 100 रुपए का खर्चा किया, और 2 फेब को तो देखो हाँ 200। और देखते देखते मम्मी है ना 14 फेब पे पहुंच गई, और मम्मी ने देखा 14 फेब को तो तेरा 500 रुपए का खर्चा हुआ है, कहाँ गया अब था चार तू 14 फेब को? शायद मम्मी को पता नहीं वैलेंटाइन डे होता है, अपने को तो पता है ना। तो मैं बोला मम्मी पता नहीं उस दिन शायद कैसे, अभी अपन एकदम ब्लैंक हो जाते हैं। ऐसे करते करते मैं थोड़ा वापस से उनको कंफ्यूज हो गया, तो मम्मी ने बोला कि ठीक है देख बेटा तूने ना एक काम अच्छा किया है कि यहाँ पे जो भी खर्चे है तूने सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड तो कर दिए, तूने सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड तो कर दिए, बट अब पता कैसे चलेगा कि भाई 2 फेब को तूने कहाँ पे कौन सा खर्चा किया है। से फॉर एग्जाम्पल 200 रुपीज है तेरा,
तो 200 रुपीज का खर्चा कहाँ पे हुआ है, कितना ट्रैवलिंग में, कितना खाने पीने में। हाँ मुझे ये देखो, अनिकेश बोल रहे हैं सर बोल दो ना कि 500 रुपए का आप लोग आपने बुक खरीदा। अच्छा याद रखना मम्मी पापा, अपने से 10 कदम आगे होते हैं, 1 सेकंड में अपना झूठ पकड़ लेते हैं ना वो। पता नहीं उनके पास ऐसी क्या दिव्य शक्ति होती है कि मम्मी पापा से अगर आप झूठ बोलो तो, और वो भी उनके सामने अगर आपने झूठ बोल दिया ना, 1 सेकंड के अंदर वो पकड़ लेंगे कि ये झूठ बोल रहे हैं। तो इसके लिए इट इज बेटर कि उनको बोल देना चाहिए जो भी है। तो मेरी बात कर रहा हूं, तो मैं तो जब भी अगर कभी झूठ बोला है, मैंने ज्यादा बोलता नहीं हूं बट बोला है, तो पकड़ा तो गया ही हूं, और ऑन द स्पॉट, मतलब ऐसा भी नहीं कि कुछ टाइम बाद, ऑन द स्पॉट ही वो लोग मेरे को पकड़ लेते हैं। खैर, सो यहां पे मम्मी ने और एक चीज मुझे बताई। मम्मी ने मुझे बोला कि देख बेटा, ऐसे काम नहीं होता है, तुझे सिस्टमैटिकली है ना रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि तू जो जो भी खर्चे कर रहा है। मैंने बोला मम्मी मैं सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड तो कर रहा हूँ, मैंने लिखा तो है कि मैंने 4th फेब को 100 रुपए का खर्चा किया, 14th फेब को 500 रुपए का खर्चा किया, 3rd फेब को मैं कुछ खर्चा नहीं किया, 2nd फेब को 200 रुपए का खर्चा किया। मम्मी ने बोला हाँ सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड किया है, बट इसमें कौन सा खर्चा कहाँ गया है वो कैसे पता चलेगा मुझे, तुझे भी नहीं पता चलेगा। और अगर तू ऐसे करेगा तो तुझे तेरा हिसाब का कंट्रोल ही नहीं रहेगा, कभी 1500 रुपए में से कितना सेव करना है, ये सेविंग्स आगे तेरे को कभी काम आएगी, तो वो सब सिस्टम तो डेवलप कर। बोला तो मम्मी मैं क्या करूँ आप ही बताओ। तो मम्मी ने बोला देख, तूने सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड तो कर दिया है ना, अब ये करना तो सीख गया है ना, अब क्यों ना तू इस जो भी अमाउंट को रिकॉर्ड कर रहा है, जो भी तू सिस्टमैटिकली अमाउंट को रिकॉर्ड कर रहा है, इसको क्लासीफाई भी करना चालू कर दे साथ में। मैंने बोला मम्मी क्लासिफाई मतलब क्या होता है। मम्मी ने बोला क्लासिफाई मतलब बेटा ऐसे लिखना चालू कर दे ना कि भाई मेरा फर्स्ट फेब को अगर खर्चा हुआ है तो ये 1st फेब को मेरा किस चीज में खर्चा हुआ है। तेरा जो खर्चा होने वाला है वो चीजें तो फिक्स है, या तो भाई तू तेरा ट्रैवलिंग का खर्चा होगा, या तो तेरा ईटिंग का खर्चा होगा, या तेरा बुक्स का खर्चा होगा, या अदरवाइज कुछ मिसलेनियस खर्चा होगा। मैं बोला हाँ मम्मी ये तो मेरा फिक्स है। तो ये सिस्टमैटिकली इधर लिख देना कि भाई 1st फेब को तेरा टोटल सपोज 100 रुपए का खर्चा हुआ है, तू बोल रहा है। बोला हाँ मम्मी, तो ये 100 रुपए का खर्चे में से ट्रैवलिंग में कितना गया। मम्मी 30 रुपया मेरा ट्रैवलिंग में गया। खाने में कितना गया। मम्मी 40 रुपया खाने में गया। अच्छा बुक्स कोई खरीदा क्या। नहीं मम्मी उस दिन बुक्स कुछ नहीं खरीदा। और मिसलेनियस में बाकी का मेरा 30 रुपया गया, और मिसलेनियस में इधर ब्रैकेट में लिख दिया कर क्या है वो। मैं बोला हाँ मम्मी ये भी अच्छा आइडिया है। तो होगा क्या इससे पता है क्या, तेरे को भी पता चलेगा कि भाई तेरा कितना खर्चा हो रहा है, तेरा कितना खर्चा हो रहा है। दूसरा तेरे को पता चलेगा ये खर्चा कहाँ हो रहा है, ये खर्चा क्लासिफाई करने से पता चलेगा ना कि ये खर्चा कहाँ हो रहा है। मैं बोला हाँ मम्मी ये तो बात बराबर है। और जब इसको ऐसे सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करके क्लासिफाई करेगा और एक प्रॉपर स्टेटमेंट फॉर्म में, और जब पापा तेरे को एवरी मंथ एंड पे पूछते हैं ना बेटा तेरा बताना तो खर्चा कितना हुआ है क्या नहीं, तो उनको प्रॉपर एक स्टेटमेंट फॉर्म में देगा, तो तेरे को भी पता चल जाएगा कि हाँ भाई इस हिसाब से मेरा खर्चा हो रहा है, इन चीजों में मेरा खर्चा हो रहा है, इतना मेरा सेविंग्स हो रहा है, और फ्यूचर में मेरे को अगर कुछ सेव करना है तो कैफे हो पाएगा। बस इसी चिड़िया का तो नाम है कॉशीट। तो मुझे कॉस्ट शीट सिखाने वाला मेरे कॉस्टिंग का प्रोफेसर नहीं, मेरे मम्मी थी। मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया कि कॉस्ट शीट को कैसे बनाना है। फिर बाद में मैंने सोचा कि यार ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, फिर मैंने यही सेम चीज कर दी 2nd फेब को। 2nd फेब को भी मैंने रिकॉर्ड करना चालू किया। 2nd फेब को मेरा 200 रुपए का खर्चा हुआ था, तो मैंने देखा मेरा ट्रैवलिंग का अभी भी 30 हुआ है। मैंने उस दिन है ना चीज पाव भाजी खाई थी, बहुत मन कर रहा था, तो उस दिन चीज पाव भाजी खाई, तो वो हो गया 70 रुपए का मेरा और परचूरन मिसलेनियस खर्चा हो गया। एंड दैट इज हाउ मैं सिस्टमैटिकली हर एक दिन का रिकॉर्ड करने लगा, इधर टोटल आ गया। पापा ने बुलाया मेरे को 28 फेब को, फेब में तो 28 दिन ही होता है, 28 फेब को पापा ने बुलाया, बोला कि बेटा 1500 रुपये मम्मी तेरे को हर महीने दे रही है, तो कहाँ पे खर्चा हो रहा है, क्या है, कुछ है तेरे पास हिसाब। मैंने पापा को ये स्टेटमेंट दे दिया। पापा ने देखा क्या बात है, तूने तो सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड भी किया है, तूने तो क्लासिफाई भी किया है, और एक फिक्स स्टेटमेंट भी बन गया है तेरा। मतलब आज अगर मेरे को देखना है कि मेरे बेटे ने टोटल ट्रैवलिंग में कितना खर्चा किया है, तो मेरे को यहां से पता चल जाएगा कि हाँ भाई इसने ट्रैवलिंग में टोटल 1500 में से 500 रुपए इसने ट्रैवलिंग में गया है, 200 रुपए इसका ईटिंग में गया है, 100 रुपए इसका बुक्स में गया है, बाकी इसका मिसलेनियस में गया है। ओ
समझ रहे हो तुम लोग, बस इसी चिड़िया का तो नाम है कॉशीट। पापा खुश, मम्मी खुश, मैं भी खुश, और एक चैप्टर का नाम भी अपने को इससे पता चल गया। एग्जैक्टली दिस इज व्हाट वी विल डू इन कॉशीट। अब आप एक बात सोचो यार, मैं जो खाली 1500 रुपए, मामूली रुपए, 1500 मामूली रुपए मम्मी पापा से ले रहा है, वो कंफ्यूज हो गया कि उसका आज किधर खर्चा हुआ है, कल किधर खर्चा हुआ है, खर्चा हुआ भी कि नहीं हुआ है। तो कहना इससे, जो ये कंपनी है, अगर वो इसको सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड और क्लासिफाई नहीं करेगी, प्रॉपर स्टेटमेंट फॉर्म में नहीं बनाएगी, तो क्या वो अपने खर्चों को मैनेज कर पाएगी? क्या क्या उसको पता चलेगा क्या कि भाई कितना उसने कैपिटल लिया, कैपिटल में से कितना खर्चा किया, उसमें से कितना सेल्स हो गया, कितना बच गया? क्या ये पॉसिबल है क्या? आप मुझे बताओ, हाँ या ना। और अगर ये पॉसिबल नहीं है, अगर ये पॉसिबल नहीं है, देन इन दैट केस अपने को इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप मुझे बताओ। अरे बोलो बोलो, टेल टेल। करेक्ट, बस इसी के लिए अपन बनाएंगे कॉस्ट शीट, इसी के लिए अपन बनाएंगे कॉस्ट शीट। आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस? सो ये तो आप सोचो, एक छोटा सा संकल्प, आप जैसा भी कोई होगा, से फॉर एग्जांपल जिसको 1000-1500 रुपए मिल रहे हैं, अपन अगर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो एक कंपनी जिसको इतना रोज के बेसिस पे खर्चे करने हैं, इनकम आने वाली और सब चीजें हैं, अलग अलग इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, अगर वो इसको सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड और क्लासिफाई स्टेटमेंट फॉर्म में नहीं बनाएगी, देन इन दैट केस क्या हो जाएगा? हो जाएगा स्यापा, हो जाएगा स्यापा। एंड ऑब्वियसली ये स्यापा ना हो, इसके लिए अपन, और या इसके लिए पूरे वर्ल्ड ओवर द थिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड, जिसका नाम है कॉस्टशीट, जिसका नाम है कॉस्टशीट। क्या आपको समझ में आया ये चैप्टर क्यों इंट्रोड्यूस हुआ है? देखो एक चीज है ना, मैं आपको बता देता हूं। अब आप है ना बड़े हो गए, ठीक है, सयाने हो गए हो, इंटर लेवल पे हो, कल उठ के विद इन 9 to 12 months आप सीए फाइनल लेवल पे जाओगे, कोई बड़ी फर्म में जाके आर्टिकलशिप करोगे। अगर आप अपना माइंड ओपन नहीं रखोगे ना, देन इन दैट केस लाइफ में बहुत आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको हर चीज क्वेश्चन करनी पड़ेगी कि सर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? क्या आज तक आपने कोई चैप्टर आपको पढ़ा रहे, तो आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा, सर ये चैप्टर आप क्यों पढ़ा रहे हो, क्या जरूरत है? ये माइन्यूट लेवल पे आपको क्वेश्चनिंग करनी पड़ेगी, जो अपन है ना बचपन में करते थे, फिर पता नहीं बड़े हो गए तो क्यों ये सब चीजें छोड़ दी। जब एक बच्चा 4-5 साल का होता है ना, आप जब 4-5 साल के थे, तो जो काइंड ऑफ क्वेश्चंस पूछते थे, अरे मम्मी अर्थ राउंड क्यों है, अरे मम्मी ये दिन रात क्यों होते हैं, अरे मम्मी ये बटन क्या होता है, ये छोटी छोटी जो आप सवाल पूछते थे ना जो इनोसेंसी में, वो इनोसेंसी अब वापस ले आओ अपने सीए स्टडीज के उसमें। कभी आप आज के स्टूडेंट्स ऑफ लेट ये एज में स्टूडेंट्स क्वेश्चन करना बंद कर देते कभी कभी, कि क्यों कर रहे हो भाई ये सब जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? वी हैव टू गेट दैट थिंग अगेन इन आर सेल्व्स, कि सर अगर आप कॉशिट पढ़ा रहे हो तो क्यों पढ़ा रहे हो, क्या था जिसके पीछे, क्या लॉजिक है इसके पीछे, क्या रीजन है जिसकी वजह से आपको ये चैप्टर पढ़ाना पड़ रहा है? हर चैप्टर, क्या कोई चैप्टर ऊपर से पढ़ा गिर रहा है क्या? हाँ चलो भाई कॉशिट इंस्टीट्यूट को लगा, चलो कॉशिट ऊपर वाले ने भेजा है, अच्छा है, चलो नीचे गिरा दो, इसको सिलेबस में ले आओ, या कुछ लॉजिकल रीजन है जिसकी वजह से ये आया? ऑब्वियसली लॉजिकल रीजन है, तो वो लॉजिकल रीजन आपको पता होना चाहिए, और ये एक सब्जेक्ट में या एक चैप्टर में नहीं, एवरीथिंग दैट यू आर गोइंग टू स्टडी फ्रॉम नाउ ऑन टिल द एंड, हर चीज के पीछे का क्यों जानना बहुत जरूरी है। अगर आप वो नहीं करोगे, देन इन दैट केस यू आर नॉट अ कंप्लीट चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं बस इतना ही बोलूंगा आपको, यस, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो अगर मैं कुछ कर रहा हूं, तो उसके इनडेप्थ डेप्थ में घुस के समझूंगा कि भाई क्या ये क्यों है, क्या इससे फायदा होने वाला है मेरे को, कंपनी को, या इससे ओवरऑल वैल्यू एडिशन क्या है, वो सब समझूंगा मैं पहले। फिर अपन लोग ने अभी मैथ्स में इतना एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और वो सब क्या क्या किया, क्या कहा है अपने को, वो इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव्स और वो पता नहीं और क्या क्या, दो तीन चीजें की ट्रिग्नोमेट्री, साइन, कॉस, क्यू थीटा, कहीं पे कुछ यूज नहीं आया। बट अब जो अपन पढ़ने वाले हैं ना, वो सब जनरल था, तो ठीक है भाई, आपको किसी को साइंस में जाना है तो उसको काम आ गया, आपने को नहीं आया, व्हाटएवर। बट आज
जब मैं इंटरमीडिएट लेवल पे और फाइनल लेवल पे कुछ भी पढ़ रहा हूं ना, तो वो हर एक चीज प्रैक्टिकली मैं उसको कनेक्ट कर पाऊंगा, प्रैक्टिकली ऑफिस में हो रही है, इसीलिए मुझे पढ़ाया जा रहा है। बट अगर मैं वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को ध्यान नहीं दूंगा, देन इन दैट केस कहीं ना कहीं मैं बैकफुट पे आ जाऊंगा, जो मैं नहीं चाहता हूं आपके साथ कभी भी। तो प्लीज वो एक एक बचपना ले आओ, मैं बोलूंगा मासूमियत ले आओ कि सर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, अब अपन क्या बड़े हो गए हैं तो अपने को लगता है अरे यार मैं ऐसा डाउट कैसे पूछूं, क्या लगेगा कि यार ये देखो इतना बड़ा होके भी इसको ये वाला डाउट भी नहीं आता है। बट जब वो ही बचपना होता है, मासूमियत होती है, वो बच्चा तो कभी ऐसा नहीं सोचता है, वो तो कैसे बेधड़क पूछ लेता है अरे ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। दैट इज द थिंग दैट यू नीड टू गेट आउट। बड़े मत बनो इतना जल्दी, जब टाइम आएगा तो हालात आपको बड़ा बना देगी, बट फिलहाल बचपने में ही रहो एंड दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी द बेस्ट टाइम, एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। चलो एनीवेज, सो दिस इज द रीजन वी आर प्रिपेयरिंग कॉस्ट शीट, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रियलाइज हुआ बिजनेसेस को कि यार अगर हम लोग रोज कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और उसको अगर सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड नहीं करेंगे, then in that case problem हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये तो फाइनेंशियल अकाउंट्स में अपन जर्नल एंट्री के तो कर रहे हैं ना, वो टोटैलिटी बेसिस पे है, कॉस्टिंग आपको बोलता है प्रोडक्ट वाइज बेसिस पे करो, ये सब चीजें प्रोडक्ट वाइज बेसिस पे करो तब आपको पता चलेगा। तो हर एक प्रोडक्ट का अलग से कॉस्ट शीट बनेगा, हर एक प्रोडक्ट का। फॉर एग्जाम्पल एप्पल, क्या आप लोगों ने नाम सुना है एप्पल कंपनी का, वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूड कंपनी में से आता है, हाईएस्ट कैश रिच कंपनी में से आती है एप्पल। मैं आपको बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा, डोंट वरी, आपका मार्केट नॉलेज भी सुधार दूंगा बाय द टाइम यू आर डन विद ऑल द लेक्चर्स। सो ये जो कंपनी है ना एप्पल, ये कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है। जैसे अगर ये आप देख रहे हो मेरे हाथ में है तो है एप्पल पेंसिल, वैसे मैं जिसमें लिख रहा हूं वो है एप्पल आईपैड, जैसे मेरा ये फोन देखोगे अगर आप तो ये है एप्पल आईफोन। सो ये सब एप्पल जो प्रोडक्ट्स बना रही है, एप्पल भी कॉस्ट शीट बनाती है, यस प्रैक्टिकली एप्पल भी कॉस्ट शीट बनाती है, बट अलग अलग प्रोडक्ट का। एप्पल का जो ये पेंसिल डिपार्टमेंट है उसका अलग से कॉस्ट शीट बनता है। वाओ, शुभांक ने एक बहुत बड़ा अच्छा नाम लिया है, सऊदी अरामको। ही इज राइट, सऊदी अरामको इज वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूड कंपनी इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट आज की तारीख में अगर किसी का आता है तो वो आता है सऊदी अरामको का। शुभांग यू आर राइट, बट इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन एप्पल इज ऑलमोस्ट देयर। प्रॉफिटेबिलिटी की अगर बात करते हो देन सऊदी अरेबिया लीड्स इट, सऊदी अरामको लीड्स इट। चलो एनीवेज, अपन अपने इस पे आते हैं। तो ये फॉर एग्जाम्पल आपको दिख रहा है एप्पल पेंसिल, फिर बाद में आपको दिख रहा होगा आईपैड, तो ये सब अलग अलग प्रोडक्ट्स का अलग अलग कॉस्ट शीट बनेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि भाई कितना कितना खर्चा हो रहा है ये प्रोडक्ट बनाने में, कितना कितना खर्चा हो रहा है ये प्रोडक्ट बनाने में। समझ रहे हो? तो कॉस्ट शीट क्या है बेसिकली? कॉस्ट शीट मुझे मेरी मम्मी ने सिखाया है। क्या सिखाया मेरी मम्मी ने मेरे को कॉस्ट शीट? क्या करना है कि भाई जो भी तेरे खर्चे हो रहे हैं, जो भी तेरे कॉस्ट हो रहे हैं, उनको सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड कर, सिस्टमैटिकली रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट, मतलब ऑफ कॉस्ट, बस सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड कर दो तो हो जाएगा, चलेगा क्या? नहीं, इसको क्लासिफाई भी तो करना पड़ेगा विद अप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन, विद अप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन। और मैं क्या मेरे हिसाब से कुछ भी फॉर्मेट में बना लू क्या? नहीं नहीं, एक प्रॉपर स्टेटमेंट बनना चाहिए जो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। तो एक इजीली अंडरस्टैंडेबल स्टेटमेंट या फॉर्मेट में, इजीली अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में। तो जब ऐसा मैं करूंगा एक इजीली अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में, एक इजीली अंडरस्टैंडेबल स्टेटमेंट में, ये एक जगह जब जमा हो तीनों, क्या क्या? सिस्टमैटिकली रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट, अप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन एंड इजीली अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में, तब मैं बोल सकता हूं कि मेरा कॉस्ट शीट बनता है, तब मैं बोल सकता हूं मेरा कॉस्ट शीट बन सकता है।
तो अब आप बोलेंगे कि सर देखो आपको आपकी मम्मी ने तो बता दिया कि भाई तेरे को कैसे तेरे कॉस्ट रिकॉर्ड करना है, पर बिजनेस के लिए तो एक अलग तरीका होगा, तो बिजनेसेस कैसे अपने कॉस्ट को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करेगी विद प्रॉपर क्लासिफिकेशन एंड इजीली अंडरस्टैंडेबल स्टेटमेंट में, वो अब अपन पढ़ेंगे इस चैप्टर में जिसका नाम है कॉस्ट शीट। तो अब वर्ल्ड के जितने भी रिनाउंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स थे वो बैठे, उन्होंने बोला कि यार ये करना पड़ेगा, तब जाके बिजनेस प्रॉपरली रिकॉर्ड कर पाएगा अपने कॉस्ट को, तब जाके प्रोडक्ट वाइज कॉस्टिंग हो पाएगी। तो कैसे कॉस्ट को रिकॉर्ड करें, वो अंडरस्टैंडिंग उन्होंने डेवलप किया, और वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते करते उन्होंने फाइनली एक स्टेटमेंट बनाया, और उस स्टेटमेंट का नाम दे दिया कॉस्ट शीट। और वो स्टेटमेंट बनाते बनाते चीजों को वो क्लासिफाई करते गए, चीजों को वो क्लासिफाई करते गए। अभी अंडरस्टैंडिंग, सो जब ये तीन चीज ज्वाइन हो गई तब कॉस्ट शीट बन गया। अब ऐसा सोचो, क्या बोल रहा हूं मैं, ऐसा सोचो कि आप हो वो मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ऐसा सोचो कि अपन 100 साल पहले चले गए, 100 साल पहले तो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट नहीं था। अब ऐसा सोचो कि आप वो 100 साल पहले हो और आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है कि कॉस्ट शीट का कुछ फॉर्मेट बनाना है, क्या आप और मैं मिलकर ये कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बना पाएंगे क्या, बताओ मेरे को। अगर हाँ तो चलो स्टार्ट करते हैं ये फॉर्मेट बनाना। जो फॉर्मेट ऑलरेडी है वो मैं आपको नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपसे ही बनवाऊंगा वो फॉर्मेट, और आप फिर नोट करोगे अरे ये तो सेम फॉर्मेट है जो उन्होंने भी बनाया है। तो लॉजिकल कॉमन सेंस से ही बनने वाली है ये सब चीजें, बट आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि यार हाँ ये तो मैं खुद से भी बना पाया। अगर मैं आपको आज सीधा ये फॉर्मेट बता दूं ना, देन इन दैट केस आपको लगेगा हाँ हाँ ठीक है, आप फॉर्मूला को फॉर्मेट को लर्न कर लोगे, जो मैं कतई नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप सोचो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट, ये क्या होना चाहिए इसका फॉर्मेट, क्या आप तैयार है। तो वो अब अपन स्टार्ट करेंगे, बट उसके पहले मैं चाहता हूं ये वाली चीजें आप कहीं पे लिख ले। डेफिनेटली अब आपका नोटबुक का ओपनिंग हो चुका है और आज से बहुत सारा अपन लिखना स्टार्ट करने वाले हैं। आर यू रेडी गाइस? शाबाश। हाँ, वो चीज याद रखना, मैंने आपको ब्लू ब्लैक रेड ग्रीन का कुछ कॉन्सेप्ट दिया था, और ये भी चीज बोला था कि जो सबसे बेस्ट बुक बना के देगा उसको मेरी तरफ से कुछ पुरस्कार मिलेगा एंड में। और आपको चाहिए, कुछ स्टूडेंट्स ये भी करते हैं कि लेक्चर में थोड़ा फ्लो होता है, स्पीड होता है, तो वो लोग क्या करते हैं ना, पहले लिख लेते हैं ऐसे ही जनरली, और फिर खुद से अलग से प्रैक्टिस करने के लिए एक बहुत अच्छी वाली ब्यूटीफुल वाली बुक बनाते हैं। आपको वैसा करना है, आप वैफा भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ कुछ स्टूडेंट्स है जो एकदम मस्त से, फॉर एग्जाम्पल मेरा फॉर्मेट बन गया कॉस्ट शीट का और सब बना दिया, उसके बाद में उसका फोटो लेंगे और फिर बाद में अपना इंस्टाग्राम पे डालते हैं, टैग करते हैं, तो इट इज ऑलवेज गुड नो, क्या फर्क, क्या हर्जा क्या है, एंड ऑफ द डे प्रैक्टिस हो रहा है, दैट्स व्हाट वी वांट। चलो सब लोग ने लिख लिया ये, अच्छा आप लोग खाली एक एग्जांपल आपको लिखना है कि ये तो मैं शेयर करने वाला हूं, तो वो आप लोगों को मिल जाएगा, बट जो मेन चीज है आपकी बुक में ये आपको लिखना है, प्लीज ये आप लोग लिख लो एक बार फटाफट, 2 मिनट दे रहा हूं फिर मैं कंटिन्यू करूंगा। हाँ भाई, सबकी तरफ से डन हो गया है, तो कहानी को आगे बढ़ाएंगे अपन। अब कॉस्ट शीट क्यों बनानी है समझ में आ गया, पहले हर चीज का क्यों, फिर कैफे, और फिर उससे रिलेटेड सम्स करेंगे। क्या बोला मैं, सिस्टम क्या रहेगा अपना, पहले क्यों, जो भी कर रहे हो ना उसके पीछे का क्यों पता होना चाहिए, पहले ऑलवेज आस्क व्हाई, Why are we doing? What are we doing? क्यों? फिर अच्छा इसलिए करना है, करना तो पड़ेगा। दूसरा how? कैफे, क्या बोला, कैफे, एंड देन उससे रिलेटेड चीजें अपने को करनी है, फिर बाद में what, when, किधर, क्या क्या गया, सब होते जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो हमेशा क्यों और कैफे, ये दो चीज के ऊपर फोकस करेंगे। अगर क्यों और कैफे क्लियर हो गया, देन इन दैट केस अपन लोग सम्स एकदम आराम से कर पाएंगे, समझ गए।
चल अब कॉस्ट शीट किसने बनाना सिखाया आपको? कॉस्ट शीट आपको किसने बनाना सिखाया? कॉस्ट शीट बनाना मम्मी ने सिखाया। मम्मी ने अपने को बताया कि देख बेटा तेरे को हम लोग मंथली पॉकेट मनी दे रहे हैं, तो प्लीज उसको सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड कर और क्लासिफाई कर वो सारे कॉस्ट को, पर एक स्टेटमेंट फॉर्म में दे ताकि हमारे को भी इजीली समझ में आ जाए। अगर आपको कोई कॉस्ट शीट का डेफिनेशन पूछेगा आज की तारीख में, और मैं अगर ऐसे दबा दूं इधर और आप अपना बुक भी क्लोज कर दो, तो क्या आप उसको बता पाओगे कॉस्ट शीट क्या होता है? हाँ जवाब दो, हाँ या ना। अब मेरे पास है ना दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन थे, चलो आप पहले जवाब दो। क्या आप मेरे को कॉस्ट शीट का डेफिनेशन दे सकते हो, हाँ या ना? अगर हाँ तो प्लीज उधर मेरे को फटाफट लिख के बताओ सब लोग कि कॉस्ट शीट का डेफिनेशन क्या है। सर हम तो गूगल ड्राइव पेन ड्राइव वाले, तो क्या हो गया यार? व्हाट्सएप कर दो या अपने बुक में कहीं पे लिख दो, बता दो ना क्या है क्या नहीं, बताओ बताओ फटाफट लिखो, फटाफट लिख के बताओ। ये देखो शुभांग सिंह कुछ अलग ही चीजें लिख रहा है। शुभांग लिख रहा है टू फाइंड इंडिविजुअल प्रॉफिट कॉस्ट एंड प्रॉफिट रेशियो। नहीं मेरे भाई इतना टेक्निकल मत हो जा, कीप इट सिंपल, ज्यादा होशियारी मत मारो प्लीज। करेक्ट, अनुराग मित्तल एकदम सही लिख रहा है। कॉस्ट शीट क्या है? कॉस्ट शीट क्या है? बोलो बोलो, टेल टेल। करेक्ट, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ कॉस्ट, एकदम सही जा रहे हो तुम लोग। सब लोग लिखो, फटाफट लिखो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। और मम्मी की बातें याद रखनी। मम्मी ने क्या बोला था, तेरे को पॉकेट मनी मिल रहा है ना एवरी डे, तेरे को तेरा 100-100, 200 पे खर्चा हो रहा है, उसका कहीं पे रिकॉर्ड तो रख बेटा कि तेरा हर दिन कितना खर्चा हो रहा है। तो सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट, बराबर। बट अभी बेटा 100 रुपए का खर्चा हर रोज कहाँ कहाँ पे हुआ है कैफे पता चलेगा? तो तुझे कॉस्ट को क्या करना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ एवरी कॉस्ट, बराबर है। बट इसको कैसे, सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन फॉर्म में, स्टेटमेंट फॉर्म में डालना पड़ेगा ना। बस प्रेजेंटेशन इन अ प्रॉपर स्टेटमेंट फॉर्मेट इज व्हाट इज कॉस्ट शीट। सब लोग ने सही जवाब दिया है। पीयूष आनंद, कॉस्ट शीट मीन सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट, वेरी गुड, इजिली अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट, स्टेटमेंट क्लासिफिकेशन करना है। आसना नेगी ने लिखा है सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग विद अप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन यूजिंग अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट, एक नंबर, परफेक्ट। सब लोग एकदम सही लिख रहे हो। अब आप मेरे को बताओ, मेरे पास दो ऑप्शन था। एक ऑप्शन था कि मैं पहले आप लोग को ये फॉर्मूला, ये जो मैंने इधर लिखा है कॉस्ट शीट का मतलब, पहले ही मैं आपको ये लिखवा दूं और फिर बाद में आपको ये लर्न करवाऊं, या आपको ऑटोमेटिकली ये लिखवाऊं। आप मुझे बताओ क्या सिस्टम आपको सही लगा, समझ रहे हो? इसके लिए मैंने आपको पहले ये डेफिनेशन ये सब बताया ही नहीं है। अब अगर मैं समझो चैप्टर वन करता, तो चैप्टर वन में ना कॉस्ट शीट का डेफिनेशन दिया होगा कि कॉस्ट शीट इज सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट विद अप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन इजीली अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट इन अ प्रॉपर स्टेटमेंट। अब वो मैं आपको करवाऊं, उससे बेटर है ना अपन लॉजिकली चीजों को समझे, एग्जाम्पल्स को समझे और खुद अपना डेफिनेशन बनाए। भाई ये डेफिनेशन अपन ने बनाया है। अब कोइंसिडेंटली आप यही डेफिनेशन अपने बुक में या मॉड्यूल में भी देखोगे तो सेम ही होगा। अरे सेम ही होना है ना लॉजिकली, बट अपन ने डिराइव किया है ना, तो अपन कभी भूलेंगे नहीं इसको। मानते हो कि नहीं इस बात को? करेक्ट, झकास, ये बिना बात। सो दैट्स हाउ द अप्रोच शुड बी। खुद से चीजों को डिराइव करोगे ना तो कभी भूलोगे ही नहीं। कल उठ के कोई आपको भी बोलेगा ना चल भाई कॉस्ट शीट का डेफिनेशन लिख, आप ऑटोमेटिकली खुद ही लिख दोगे विद द फ्लो। और अगर वही रटा हुआ होगा ना तो फिर बाद में बहुत जोर डालना पड़ेगा, जरूरत ही नहीं है उसका। चल ग्रेट, सो अब कहानी को आगे बढ़ाएंगे। कॉस्ट शीट क्या है अपने को समझ में आ गया, कॉस्ट शीट क्यों बना रहे हैं वो अपने को समझ में आ गया, अब कॉस्ट शीट कैफे बनाना है वो अपने को करना पड़ेगा। अभी देखो और एक चीज बोल दूं, थोड़ा सा ये डेफिनेशन अधूरा है, इसमें और एक चीज ऐड होनी है, बट सही टाइम पे उसको भी मैं ऐड कर दूंगा, डोंट वरी, और वो भी ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। फिर पूरा डेफिनेशन कंप्लीट विद खुद का अंडरस्टैंडिंग, विद खुद का वर्किंग। चलो अभी कहानी को आगे बढ़ाता हूं मैं। चलो अब बेसिकली क्या बना रहे हैं अपन लोग, अपन को बनाना है कॉस्ट शीट। तो ऐसा सोचते हैं ना अपन ही वो टीम ऑफ एक्सपर्ट्स है, आप और मैं वो टीम ऑफ एक्सपर्ट्स है जो कॉस्ट शीट बनाने वाले हैं। तो बेसिकली कॉस्ट शीट मतलब खर्चा, कॉस्ट का मतलब क्या होता है बेसिकली, कॉस्ट का मतलब क्या होता है बेसिकली, अगर हिंदी लैंग्वेज में पूछूं मैं आपको तो कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट सर होता है खर्चा, बराबर है। शीट मतलब क्या होता है? शीट मतलब एक फॉर्मेट, शीट बेसिकली एक फॉर्मेट। तो खर्चा को रिकॉर्ड करने का फॉर्मेट है बेसिकली कॉस्ट शीट।
खर्चे को रिकॉर्ड करने का फॉर्मेट है कॉस्ट शीट, और तो कुछ भी नहीं है। सो खर्चे को रिकॉर्ड करने का, खर्चे को रिकॉर्ड करने का फॉर्मेट है कॉस्ट शीट, खर्चे को रिकॉर्ड करने का फॉर्मेट है अपना कॉस्ट शीट, है अपना कॉस्ट शीट। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई। अब इसके लिए अपने को खर्चे को समझना पड़ेगा, कॉस्ट को समझना पड़ेगा। तो वर्ल्ड ओवर ये डिसाइड किया गया कि अपन खर्चे को प्राइमा फेसी लेवल पे, मतलब एकदम इनिशियल लेवल पे, वी विल नॉट कॉम्प्लिकेटेड, वी विल कीप इट वेरी सिंपल। एंड दैट सिंपलिस्टिक डेफिनेशन से आई दो चीजें कि खर्चे को हम खाली दो पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं। एक पार्ट को हम बोलेंगे डायरेक्ट कॉस्ट और दूसरे पार्ट को हम बोलेंगे इनडायरेक्ट कॉस्ट। दुनिया भर में सबने बोला कि इस दो के अलावा और कोई हमारा खर्चे का डेफिनेशन है ही नहीं। या तो वो डायरेक्ट कॉस्ट के दायरे में जाएगा या तो वो इनडायरेक्ट कॉस्ट के दायरे में जाएगा, दैट्स इट। तीसरा और कोई कॉस्ट है ही नहीं। मतलब एकदम सिंप्लीफाई कर दिया उन्होंने भाई, दो चीज कॉस्ट क्या है, या तो डायरेक्ट कॉस्ट होगा या इनडायरेक्ट कॉस्ट होगा, बात खत्म, फुल स्टॉप, पीरियड। समझ में आ रहा है आपको? सो अब फिर उन्होंने बोला चलो भाई अगर दो पार्ट में कॉस्ट को डिवाइड कर दिया, एक है डायरेक्ट कॉस्ट दूसरा है इनडायरेक्ट कॉस्ट, तो चलो पता लगाते हैं ये डायरेक्ट कॉस्ट किस खेत की मूली है और ये इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है। तो फिर डायरेक्ट कॉस्ट के ऊपर विचार विमर्श करना चालू हुआ, पब्लिक ने डिस्कशन करना चालू हुआ। आप बताओ आपके हिसाब से आपको क्या लग रहा है डायरेक्ट कॉस्ट क्या होगा? देखना आप खुद उसका डेफिनेशन देते जाओगे, मैं आपको बोल रहा हूं बनाते बनाते आप ही पूरा कॉस्ट शीट बना दोगे, ऐसा होगा। सिर्फ तीन चार कुछ टेक्निकल चीजें हैं जो उन्होंने स्पेसिफिकली अलग से डाली है, वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी अपना डिस्कशन करते करते ही आप खुद ही पूरा कॉस्ट शीट बना दोगे, ये मेरी गारंटी है। देखना आप बस मजे लेते जाओ, कम्युनिकेट करते जाओ, साथ में रहो, तो हो जाएगा ये सब चीजें। कौन है एवरीवन, स्टार्ट, कौन? अनुराग बोल रहा है जो बिजनेस में डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, भाई डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है हमको क्या पता। अनिकेश बोल रहा है सर मटेरियल लेबर ओवरहेड, यार मटेरियल लेबर ओवरहेड होता है हमको क्या पता। हितेश बोल रहा है सर मेजर एक्सपेंस टू रन बिजनेस, यार मेजर क्या होता है हमको क्या पता। अनुराग बोल रहा है उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते, इग्नोर तो मैं तो भाई मारवाड़ी आदमी हूं, मैं तो कोई कॉस्ट को इग्नोर नहीं करूंगा भाई, मेरे लिए तो सब कॉस्ट इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूं मैं। हाँ प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने में खर्चा लगता है भाई, ओम पंकज बोल रहे, ओम प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने में तो हर खर्चा लगता है, हर चीज प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने में लगती है। आसना बोल रही है जो काम करने के लिए बहुत जरूरी है, एन इनडायरेक्ट मतलब जो कभी कभी लग सकता है। एब्सोल्युटली नो, ऐसा कुछ है ही नहीं। इनडायरेक्ट कॉस्ट भी रोज लग सकता है और डायरेक्ट कॉस्ट कभी कभी लग सकता है। जो पीयूष आनंद बोल रहा है जो प्रोडक्ट से डायरेक्ट रिलेट करता हो, थोड़ा सा तू पास में पहुंचा है पीयूष भाई। शुभांग सिंह बोल रहा है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट में मैन्युफैक्चरिंग होता है भैया, जो एक बार एक एक्सपेंस होते हैं। नो 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 नो, अ कॉस्ट विच इज मैंडेटरी फॉर रनिंग बिजनेस। एक आर्थिक इवन इनडायरेक्ट कॉस्ट आर मैंडेटरी फॉर रनिंग बिजनेस। यार अब मैं आपको बताता हूं डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या होता है। बिजनेस के डायरेक्ट एक्सपेंसेस, परचेज, तो परचेज तो एक एग्जांपल हो गया डायरेक्ट कॉस्ट का। डायरेक्ट कॉस्ट को अगर मेरे को एक हाई लेवल के ऊपर डिफाइन करना होगा, देन इन दैट केस मैं बोलूंगा, चलो इधर उसको नेक्स्ट पेज पे मैं ये करता हूं। तो अपन क्या लिख रहे हैं, अपन लिख रहे हैं भाई कॉस्ट, कॉस्ट को एक्सपर्ट्स ने डिवाइड किया है दो पार्ट में, एक बोला है डायरेक्ट कॉस्ट, एक को बोला है डायरेक्ट कॉस्ट, दूसरे को बोला है इनडायरेक्ट कॉस्ट, दूसरे को बोला है इनडायरेक्ट कॉस्ट। चलो अब ये डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, ये डायरेक्ट कॉस्ट, तो डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब वो होता है एनी कॉस्ट which is directly dependent on the production or which depends on the number of units being produced. सर समझ में नहीं आया इतना टेक्निकल डेफिनेशन, एग्जैक्टली समझेगा कैसे? सर तो पहले एग्जाम्पल देंगे फिर आपको समझेगा।
अब मैं आपको यहां पे दो एग्जांपल दे रहा हूं, आप मुझे बताना कौन से कैटेगरी में जाएगा। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, समझो मेरे को ये पेन बनाना है, क्या बनाना है मेरे को, ये पेन दिख रहा है आपको सबको, बोलो बोलो चल चल, यस सर, ओके। अब मेरे को समझो ये एक पेन बनाना है, ये पेन बनाने के लिए मुझे रॉ मटेरियल चाहिए। मैं आपको एक बात बताता हूं, एक पेन बनाने के लिए 1 किलो प्लास्टिक चाहिए, 1 किलो प्लास्टिक चाहिए, एक पेन बनाने के लिए 1 किलो प्लास्टिक चाहिए। अब आप मुझे बताओ कि अगर मेरे को 10 पेन बनाना है तो मेरे को कितने प्लास्टिक की जरूरत पड़ेगी, कहना इसे 10 किलो प्लास्टिक की जरूरत पड़ेगी, यस सर। अगर मेरे को 100 पेन बनाना है तो कहना इसे मुझे 100 किलो प्लास्टिक की जरूरत पड़ेगी। अगर मेरे को 500 पेन बनाना है तो कहना इसे मुझे 500 किलो प्लास्टिक की जरूरत पड़ेगी। अरे बोलो बोलो चल चल। तो ये कैसे टाइप का कॉस्ट हुआ, जितना जितना प्रोडक्शन बढ़ते जा रहा है उतना उतना मेरा प्लास्टिक का क्वांटिटी एंड प्लास्टिक का कॉस्ट भी बढ़ते जा रहा है, एफए कॉस्ट को कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट, विच इज डिपेंडेंट डायरेक्टली ऑन प्रोडक्शन। अब मैं आपको दूसरा और एक एग्जाम्पल देता हूं, खड़े रहो उधर ही खड़े रहो, 2 मिनट 2 मिनट। दूसरा मेरा एग्जाम्पल है, अब ये सब जो मैं पेन का प्रोडक्शन कर रहा हूं ना, प्रोडक्शन ऑफ पेन, ये मैं कहां पे कर रहा हूं पता है, ये मैं कर रहा हूं फैक्ट्री में, ये मैं कर रहा हूं फैक्ट्री में, कहां पे कर रहा हूं मैं, फैक्ट्री में कर रहा हूं। अब अगर मैं ये फैक्ट्री में बना रहा हूं तो ये फैक्ट्री का मेरे को रेंट देना पड़ेगा, मैंने मेरे लैंडलॉर्ड को, लैंडलॉर्ड समझते हो, जिससे मैंने वो भाड़े पे लिया है फैक्ट्री, मैंने मेरे भाड़े पे फैक्ट्री लिया है, उस लैंडलॉर्ड ने मेरे को बोला है कि सुन संकल्प तेरे को ये फैक्ट्री चाहिए, देता हूं तेरे को 50,000 रुपया पर मंथ, तेरे को ये फैक्ट्री का रेंट देना है। ये रेंट समझते हो क्या, भाड़ा, रेंट, तो तेरे को 50,000 रुपया ये फैक्ट्री का भाड़ा देना है। मैं बोल दूंगा ओके सर, दे दूंगा। अब मैं इस फैक्ट्री में एक पेन बनाऊं तो भी मुझे भाड़ा तो 50,000 ही देना है, और अगर इधर मैं 100 पेन बनाऊं तो भी मुझे भाड़ा तो 50,000 ही देना है, और अगर इधर मैं 500 पेन बनाऊं तो भी मुझे भाड़ा तो 50,000 ही देना है। मतलब एक ऐसा कॉस्ट जो मेरे प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट, उसको कहते हैं ए समझिगड़ू, आर यू अंडरस्टैंडिंग पब्लिक, ए बोलो ना ये एग्जांपल से समझ में आया क्या। अब अगर मैं आपको बोलता हूं मुझे डिफाइन करके दो, ये एग्जांपल तो समझ में आ गया, तुम लोग बोल रहे हो सर एकदम मस्त में जगह समझ में आ गया, अब मैं आपको बोलता हूं मुझे डिफाइन करके दो डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, आप जो डिफाइन करोगे वही मैं यहां पे लिखूंगा स्टार्ट। आई एम वेटिंग, मैं वेट करूंगा 2 मिनट के लिए, जो पेन ड्राइव गूगल ड्राइव वाले हो वो अपने बुक में कहीं पे चाहिए तो लास्ट पेज पे या कोई रफ पेज पे लिख के लिख दो, और फिर बाद में कंपेयर कर लेना, फिर लिख ले, जो लाइव बैठे हैं वो लिख सकते हैं। बोल समझ में आ गया सर क्या होता है डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट, बट मुझे समझना नहीं है, मुझे तो टीम ऑफ एक्सपर्ट में बिठाया है ना, तो टीम ऑफ एक्सपर्ट को तो उसको डिफाइन करना पड़ेगा ताकि बाकी लोग पढ़ चुके सके, तो आप उस टीम ऑफ एक्सपर्ट के मेंबर हो, तो आप अगर उस टीम ऑफ एक्सपर्ट के मेंबर हो तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा ना डायरेक्ट मटेरियल, सॉरी डायरेक्ट कॉस्ट क्या है इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है, चलो लग जाओ काम पे, कमल आप मुझे डिफाइन करके बताएंगे, उस बेसिस पे मैं मेरा आंसर यहां पे बोर्ड पे लिखूंगा। जी हाँ और एकदम सिंपल डेफिनेशन, अपने को कुछ हाईफाई नहीं चाहिए, बस अपन सीधे साधे लोग हैं और अपना डेफिनेशन भी सीधा साधा होगा, मम्मी वाला डेफिनेशन, देखो सीधा साधा डेफिनेशन मम्मी वाला। काफी लोगों ने आंसर दे दिया है, मैं बाकी सबके लिए रुका हूं थोड़ा थोड़ा ताकि सबका आंसर आ जाए, किस किसने आंसर दिया है,
अनिकेश कुमार, अनुराग मित्तल, किशन कुमार भट्टर, ए कार्तिक, ओम पंकज, शुभांग, सुमित्रा, आसना, भूमिका, अनीशा, हितेश, ऋतिका, ऋतिका भोजवानी आज फर्स्ट लेक्चरर है। पुष्पलता, पुष्पा कहाँ थी तू यार, आज रिप्लाई नहीं कर रही है, खफा हो गई क्या कल की मेरे एग्जाम्पल से। गुंजन जैन, निभा अग्रवाल, गुरलीन कौर, वेरी गुड यार, कीप इट अप एवरीबडी, ऑलमोस्ट एवरीबडी इज कीपिंग ऑन आंसरिंग, और भी आंसर आते जा रहे हैं। अब बेस्ड ऑन योर इनपुट, मैंने एक एक आंसर पढ़ रहा हूं मैं, और उसी बेसिस पे अब मैं यहां पे मेरा डायरेक्ट कॉस्ट का डेफिनेशन लिखने जा रहा हूं। साथ दीजिएगा, आप लोग कुछ मत लिखिएगा, पहले मेरे को लिख लेने दीजिए ढंग से, एग्जाम्पल लिख लेंगे एक दो नीचे, फिर आप लिखना, कोई टेंशन नहीं है। करूं मैं स्टार्ट? चल मैं लिख रहा हूं यहां पे कॉस्ट विच चेंजेस विद चेंज इन प्रोडक्शन कॉस्ट विद चेंजेस विद चेंज इन प्रोडक्शन विद चेंज इन प्रोडक्शन दैट इज डिपेंडेंट ऑन आउटपुट इज अ डायरेक्ट कॉस्ट इज अ डायरेक्ट कॉस्ट। इसका अगर मेरे को एग्जाम्पल लिखना हो तो मैं डायरेक्ट मटेरियल लिख सकता हूं, इसको और एक्सप्लेन करूंगा मैं, डोंट वरी, बट फॉर नाउ ये मैं लिख सकता हूं ऐसा, क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल अपने इधर एग्जाम्पल में आ गया। ओके और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या हो जाएगा मेरा, कॉस्ट विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्शन दैट इज डज नॉट चेंज विद चेंज इन आउटपुट। एग्जाम्पल फैक्ट्री रेंट। सही है, और भी आएंगे, अब कुछ लोग बोल रहे हैं सैलरी है वो करेंगे ना, और डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट प्राइमा फेसी समझो, प्राइमा फेसी मतलब इमीडिएटली जो मेरा ख्याल आया है वो मैंने यहां पे लिख दिया है बेस्ड ऑन द इनपुट गिवन बाय ईच वन ऑफ यू। प्लीज आप लोग सब लोग भी लिख लीजिए यहां पे, प्लीज एवरीबॉडी। कहीं अपन लोग अपना नोटबुक अभी चालू कर दिया है आपने, तो नोटबुक में आप पहले ये लिखोगे और उसके नीचे ये लिखोगे, स्टार्ट। कौन एक बार ओके गाइस, सो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट, आर वी क्लियर एवरीबॉडी?
सो कॉस्ट विथ चेंजेस विथ चेंज इन प्रोडक्शन, मतलब अगर कोई भी कॉस्ट आउटपुट के ऊपर डिपेंडेंट है तो वो मेरा डायरेक्ट कॉस्ट हो गया, और अगर उसको आउटपुट से कोई लेना देना ही नहीं है देन इन दैट केस वी विल से कि भाई आप इनडायरेक्ट कॉस्ट के डेफिनेशन में फॉल करोगे. चलो ये हो जाता है तो आप मुझे बोलना, फिर मैं आगे बढ़ूंगा. चल डन. ओके. सो पहला पड़ाव कॉस्ट शीट को डिवाइड करने का इनटू टू पार्ट्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, वो अपन ने कर दिया है. अब अपने को एक लेवल ऊपर जाना है. डायरेक्ट कॉस्ट के अभी तो बहुत एग्जांपल आएंगे, यहां पे फिलहाल मैंने लिखा है डायरेक्ट मटेरियल. ये देखना अपना ये प्लास्टिक डायरेक्ट मटेरियल है ना. प्लास्टिक क्या है? पेन बनाने के लिए डायरेक्ट मटेरियल है प्लास्टिक, तो इसलिए मैंने लिखा डायरेक्ट मटेरियल. बट डोंट वरी, अभी तो और कहानी बाकी है. तो व्हाट आई विल डू नाउ इज आई विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, बिकॉज अभी अपने को एकदम हैवी भी नहीं हो जाना है, क्योंकि अब मैं जो एग्जांपल स्टार्ट करने वाला हूं ना उसमें आप लोग सब लोग का मेरे को इन्वॉल्वमेंट चाहिए, और वो अगर मुझे चाहिए तो आप लोग एकदम फ्रेश होने चाहिए. सो व्हाट वी विल डू इज वी विल टेक अ 5 मिनट ब्रेक. मिलते हैं 5 मिनट के ब्रेक के बाद, जहां पे अब अपन ये कॉस्ट शीट को डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट जो अपन ने लिखा है उसको और बेटर वे में क्लासिफाई करते जाएंगे और उसको स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते जाएंगे. मिलते हैं छोटे से 5 मिनट के ब्रेक के बाद. स्वागत आप सबका ब्रेक के बाद. सो ब्रेक पे जाने के पहले कॉस्ट शीट का एक अपन ने इंट्रोडक्शन लिया था, जहां पे अपन लोग ने समझा कि यस व्हाट इज कॉस्ट शीट, क्यों चाहिए, ताकि मैं अपने कॉस्ट्स को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड कर सकूं, एक सेकेंड ना जस्ट अ मोमेंट, उनको क्लासिफाई कर सकूं, एक स्टेटमेंट फॉर्म में प्रॉपरली प्रेजेंट कर सकूं. करेक्ट? यस. एंड देन कॉस्ट को अपन ने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक है डायरेक्ट कॉस्ट, एक है इनडायरेक्ट कॉस्ट. आप नहीं बताए मुझे इट्स अ डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट विच चेंजेस विच चेंज इन प्रोडक्शन, और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट विच डज नॉट चेंज विच चेंज इन प्रोडक्शन. बट ये तो एक सिंपल डेफिनेशन हो गया यार, डेफिनेशन से तो इतना कुछ अपने को समझ में आता नहीं है सर, अपने को तो सर एग्जाम्पल चाहिए सर. भाई आपने एग्जाम्पल की लत लगा दी है, तो मुझे तो एग्जाम्पल की लत लग गई, जमाना कहे लत ये गलत लग गई, मुझे तो एग्जाम्पल की लत लग गई. चलो सो अब ये लत को आगे बढ़ाएंगे अपन. कॉस्ट शीट अगर मुझे बनाना है तो मुझे बेसिकली पता होना चाहिए कि मेरे क्या क्या खर्चे हैं. अब ऐसा सोचो कि आप और मैं मिलके एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, क्या आप मेरे साथ पार्टनरशिप में प्रोडक्ट लॉन्च करोगे क्या? अगर हाँ तो अपना हाथ आगे बढ़ाओ और दो मुझे, ऐसे करो यस करो, और ऐसे करो यस. चलो ओके. सो अब अपन एक नया बिजनेस चालू कर रहे हैं, और अपन काय का बिजनेस चालू कर रहे हैं, आज की तारीख में कौन सा बिजनेस चलता है? मोबाइल फोन का बिजनेस काफी चलता है. तो चलो मोबाइल फोन का अपन लोग बिजनेस चालू कर रहे हैं, आप और मैं मिलके क्या रखेंगे, इस मोबाइल फोन का नाम क्या रखेंगे? एप्पल, सैमसंग, ओप्पो, बीबो, इन सबको टक्कर देने वाला, वन प्लस, इन सबको टक्कर देने वाला मोबाइल आप और मैं बनाएंगे. क्या मोबाइल? ये आसना नेगी बोलती है मोमोज का बिजनेस चालू करो. यार इसको मोमोज के आगे कुछ दिखता ही नहीं है. आसना तेरे घर का एड्रेस दे, मैं पर्सनली तेरे को मोमोज भिजवाता हूं, एक नंबर वाले, एकदम बॉम्बे के टॉप लेवल के मोमोज भिजवाता हूं. एक कार्तिक, नोकिया, नो, ये सब मोबाइल फोन्स तो ऑलरेडी है मार्केट में. आप और मैं अगर कोई मोबाइल फोन का बिजनेस चालू करेंगे तो उसका क्या नाम रखेंगे, क्या मोबाइल फोन का नाम होगा? कुछ यूनिक नाम होना चाहिए ना.
एसके मोबाइल्स, ठीक है, जनरल नेम और कुछ? चलो अपनी बुक के ऊपर उसका नाम रखते हैं, अपनी बुक का नाम क्या है, ऑप्टिमाइज और मैजिक बुक, तो क्यों ना मैजिक बुक के जैसे ही मैजिक मोबाइल, लेट्स कीप द नेम एज मैजिक मोबाइल्स, ऐसा फोन जिससे मैजिक हो जाए और आपको लव हो जाए, वाह वाह, इसका टैग लाइन होगा, ऐसा फोन जिससे आप, जिससे मैजिक हो जाए। चलो, सो मैजिक मोबाइल इज द नेम ऑफ द फोन, मैजिक्स मोबाइल, ओके, मैजिक्स मोबाइल लगेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे बताओ ये मोबाइल बनाने के लिए क्या क्या खर्चे लगते हैं, या मोबाइल में क्या क्या इंग्रीडियंट्स, क्या क्या कॉम्पोनेंट्स यूज होते हैं, आप सब मुझे बताओगे, मुझे एक, आपको और मुझे साथ में मिलकर एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री सेटअप करनी है, प्लीज बताइए क्या क्या अपने खर्चे होने वाले हैं। स्टार्ट एवरीबॉडी, सब की तरफ से मुझे आंसर्स चाहिए, हैंड्स ऑन द कीबोर्ड, लाइट्स कैमरा रोलिंग एंड एक्शन, कम ऑन, वेरी गुड, सुमित्रा शर्मा बोल रही है कैमरा, वेरी नाइस, एकदम करेक्ट सुमित्रा, चलो नेक्स्ट, निभा बोल रही है बैटरी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एकदम एक नंबर, बैटरी, फिर थर्ड, अनीशा बोल रही है स्क्रीन, क्या बात है, एकदम सही जवाब, फिर और फोर्थ, प्रोसेसर एंड मदरबोर्ड, ठीक है, प्रोसेसर एंड मदरबोर्ड, बिल्कुल सही, ओम पंकज बोल रहा है एडवर्टीजमेंट, बिल्कुल सही, एडवर्टीजमेंट के बिना मैं प्रोडक्ट बेचूंगा कैसे, स्क्रीन हो गया, डिस्प्ले हो गया, ग्लास हो गया, सॉफ्टवेयर, ठीक है, आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर खरीदने पड़ेंगे, करेक्ट, ओके, और कुछ, टॉर्च, ठीक है, रैम, स्पेयर पार्ट्स, चलो मैं टॉर्च और वो सब को एक बार स्पेयर पार्ट्स में ले लेता हूं, ठीक है, नेक्स्ट, और क्या, बस ये, इससे मेरा मोबाइल हो जाएगा चालू, हाँ, वेरी गुड आसना, एम्प्लॉयज भी तो लगेंगे भाई, एम्प्लॉयज या जिसको मैं बोल सकता हूं लेबर, एम्प्लॉयज और लेबर के बिना कैसे काम होगा भाई, हाँ, फिर और क्या, किशन कुमार बोल रहा है फैक्ट्री, फैक्ट्री मतलब क्या, बेसिकली फैक्ट्री अगर मैं लूंगा तो फैक्ट्री का रेंट मेरे लिए कॉस्ट हो जाएगा, बराबर है, सो फैक्ट्री रेंट मैं लिख देता हूं, वेरी गुड, मैं लिख देता हूं इधर फैक्ट्री रेंट, और क्या, और क्या, चलो नेक्स्ट, मशीन्स, वेरी नाइस, वेरी नाइस, एकदम सही जवाब, मशीन्स लगेगी भाई, मशीन के बिना मेरा सब काम कैसे होगा मोबाइल का, मनी कैपिटल वो तो है ही, पैसा तो है ही बाय डिफॉल्ट, इलेक्ट्रिसिटी, वेरी गुड, वेरी गुड, इलेक्ट्रिसिटी, और क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा अनुराग, बाकी लोग, बाकी लोग, ओके, अनुराग बोल रहे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वेरी गुड, रिसर्च, और क्या, कंप्यूटर्स, ओके, वेरी गुड, बॉडी मटेरियल वो अपन लोग ने ले लिया, और कुछ, और कुछ, क्या मैं कुछ मिस कर दिया, आप लोग ने इतने सारे पॉइंट्स लिखे उसमें से, ऑलमोस्ट तुम लोग ने तो जो भी पॉइंट्स बोले थे वो सब मैंने ले लिए, एडवर्टीजमेंट हम लोग ने ले लिया हितेश, एडवर्टीजमेंट एक पॉइंट नंबर फाइव है, पैसा ओके दैट्स बाय डिफॉल्ट है, और कुछ, और कुछ, मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट ऑलमोस्ट सिमिलर ही हो गया, फिर भी आपको लिखना मैं लिख दूंगा, चलो इंटरनेट ठीक है, इंटरनेट कॉस्ट, फिर एडमिन एक्सपेंसेस, वेरी गुड, एडमिन एक्सपेंसेस लगेंगे कुछ ना कुछ, ठीक है, और कुछ, दैट्स इट, डन, आगे सारे एक्सपेंडिचर्स जो तुम लोगों और मेरे को लग रहे हैं कि भाई अपने को अगर मोबाइल फोन का बिजनेस चालू करना है, ट्रांसपोर्टेशन, क्या बात है हितेश, वेरी गुड पॉइंट भाई, ट्रांसपोर्ट भी तो करना पड़ेगा अपने को, वेरी नाइस पॉइंट,
और कुछ? वेयर हाउसिंग, क्या बात है, बहुत ही यूनिक यूनिक कॉस्ट ढूंढ के ला रहे हो तुम लोग तो यार। चलो आई थिंक ऑलमोस्ट देयर। निभा अग्रवाल, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मेरा मार्केटिंग और एडमिन में मैंने कवर कर लिया एडवर्टाइजमेंट में। चलो डन, ओके। अब अपने को पैकेजिंग, ठीक है चलो लास्ट एक पैकेजिंग भी लिख लेता हूं, है ना। चलो अब इतने सारे मेरे को कॉस्ट इंकर करने पड़ेंगे, क्या ना, इसे मैंने मेरे मोबाइल बनाने के लिए जितने भी कॉस्ट है वो सारे के सारे यहां पे लिख लिए। अब आपको और मेरे को मिलके इन सब को डिवाइड करना है इनटू डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। जैसे अपन ये डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट में डिवाइड कर देंगे, अपने कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। तो एग्जाम्पल का एग्जाम्पल और कॉन्सेप्ट का सेट। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला कैमरा, बताओ सब लोग, एवरीबॉडी, कैमरा डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट, सोच समझ के बताना। डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट, कैमरा डेफिनेशन यहां पे है आपके पास, कोई मुझे घाई नहीं है। मैं जब देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं, जब मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा होता ना कोई भी चैप्टर का, तो मैं एकदम स्लो जाता हूं। फिर जब अपन सम्स करेंगे ना तो अपन लोग ऑटोमेटिकली एक थोड़ा अच्छा स्पीड पकड़ लेंगे, बट जब तक मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं कम टाइम लूंगा मैं, एकदम सिस्टमेटिकली करूंगा, एकदम स्लोली करूंगा मैं, बट फिर जब सम्स करना है तो ऑटोमेटिकली स्पीड अच्छा आएगा, क्योंकि अपने कॉन्सेप्ट बेस अपना क्लियर है। ओ माय गॉड, ओ एम जी, सबने सही जवाब दिया है, सबका आंसर है सर डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट। अगर मैं आपको पूछूं FAQ तो आप सब ये बोलेंगे कि सर आपको पता है ना कि एक मोबाइल बनाने में एक कैमरा यूज होता है। से फॉर एग्जांपल, ये भी आजकल एप्पल मोबाइल फोन है, इसमें 5 कैमरा है। तो मैं अगर मैं ये एप्पल की बात करता हूं, मैं अगर आपसे ये मेरे एप्पल फोन की बात करता हूं, तो मेरा ये जो फोन है, ये मेरा एप्पल का फोन है, इसमें एक नहीं 5 कैमरा है, 5 कैमरा, समझ रहे हो। तो अगर मेरे को इधर 10 एप्पल के फोन बनाने हुए तो मुझे 50 कैमरा की जरूरत लगेगी। बेसिकली जितना फोन का प्रोडक्शन बढ़ेगा उतना मुझे कैमरा की जरूरत पड़ेगी, जितना फोन का प्रोडक्शन बढ़ेगा उतना मुझे कैमरा की जरूरत लगेगी। बोलो बोलो, चल चल, सही है सही है। किशन कुमार पूछ रहा है मिनिमम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट प्लस टैक्स ये भी पार्ट होगा क्या? अरे मेरे भाई क्यों भटक रहा है, आने देना, जब जब जो जो चीजें आती जाएगी वो करते जाएंगे ना। मैंने थोड़ी ना बोला कि हाँ भाई कॉस्ट का कॉस्ट शीट खत्म हो गया, अभी कॉस्ट शीट बाकी है, जब जो आएगा वो टाइम पे उसको लेंगे। अभी तू बहुत आगे एक अलग ही लेवल पे चले गया है, वापस इधर आ जा। चलो एकदम सही कहा सब लोग ने, कैमरा इज अ डायरेक्ट कॉस्ट। बैटरी फटाफट अभी बताते जाओ फटाफट, चलो फर्स्ट मेरा एक अंडरस्टैंडिंग लेना था, अब क्विकली लेते जाओ। चलो बैटरी, बैटरी डायरेक्ट कॉस्ट, एकदम सही। स्क्रीन, अभी जो सिंपल सिंपल है उसका मैं लिख लेता हूं, जहां पे डिवीजन हो जाएगा, जैसे कुछ लोग बोलेंगे कुछ में डायरेक्ट कुछ में इनडायरेक्ट, उसमें मैं डिस्कशन करूंगा। स्क्रीन, सीधी सी बात है स्क्रीन भी डायरेक्ट कॉस्ट है। प्रोसेसर मदरबोर्ड, सीधी सी बात है ये भी डायरेक्ट कॉस्ट है। अब आएगा मजा, एडवर्टीजमेंट क्या है सोच समझ के बताओ। एडवर्टीजमेंट क्या है? चलो अभी आप लोगों को खाली उधर लिखना है ADV, DC या IDC। मैंने बोला था ना अब डिवाइडेड ओपिनियन आएगा, अब डिवाइडेड ओपिनियन आ रहा है। कोई लोग बोल रहे हैं डायरेक्ट है, कोई लोग बोल रहे हैं इनडायरेक्ट है। लिखते जाओ लिखते जाओ, पूरा ऐसा लाइन आ गया है कुछ। चलो के उसका डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है। वेरी गुड कार्तिक ने उसका एक ये भी लिखा है, रीजन भी लिखा है, वेरी गुड कार्तिक। अनुराग मित्तल बोल रहे हैं सर 100% इनडायरेक्ट है, ओके ओके। पीयूष आनंद इनडायरेक्ट कॉस्ट, ओके। चलो देखते हैं क्या एक्चुअली एडवर्टीजमेंट डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा। तो FA केस में, अभी एडवर्टीजमेंट के केस में है ना, थोड़ा एम्बिग्विटी है। एम्बिग्विटी है मतलब अधूरापन है,
एडवर्टीजमेंट खाली ऐसे लिख देना तो डायरेक्ट आंसर मेरे पास नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, एक अधूरापन है। स्क्रीन के लिए, मदरबोर्ड प्रोसेसर के लिए, कैमरा के लिए मैं 200% श्योर था वो डायरेक्ट ही है, बट एडवर्टीजमेंट के लिए मुझे पूछना पड़ेगा, अरे भैया ये कैफा एडवर्टीजमेंट है। तो वो जब मुझे जवाब मिलेगा ना, तब मैं बस डिसाइड कर पाऊंगा कि वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। तो अब मैं आपको बताता हूं दो तरह के एडवर्टीजमेंट हो सकते हैं, कौन सा क्या है वो आपको डिसाइड करना है, ठीक है? या तो फर्स्ट और दूसरा है सेकंड, आपको बताना है फर्स्ट डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट, सेकंड डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट। फर्स्ट वाला मेरा एडवर्टीजमेंट है जहां पे मैं बोलता हूं कि अगर आपने हमारा मैजिक मोबाइल खरीदा, अगर आपने हमारा मैजिक मोबाइल खरीदा तो उसके साथ आपको एक स्क्रैच गार्ड फ्री मिलेगा। ये भी एक फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट है, वेर इन, देखो एडवर्टीजमेंट क्या है, एनी थिंग विच ट्राइज टू अट्रैक्ट द कस्टमर। तो हम अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कैफे बाय टेलिंग कि अगर आपने एक मोबाइल मैजिक मोबाइल खरीदा तो हम आपको स्क्रैच गार्ड देंगे फ्री फ्री फ्री। अपने लिए तो खर्चा है, आप मुझे बताइए ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट कॉस्ट। दूसरा तरह का एडवर्टीजमेंट कैसा है मैं आपको बताता हूं, दूसरा तरह का एडवर्टीजमेंट है जहां पे मैंने एक बहुत बड़ा होर्डिंग लगाया है। होर्डिंग समझते हैं, बोर्ड, होर्डिंग समझते हैं, एक बोर्ड लगाया है, बहुत बड़ा बोर्ड लगाया है अपने एक फ्लाईओवर स्टेशन के पास, मेट्रो स्टेशन के बाहर एक बहुत बड़ा बोर्ड लगाया है और जहां पे लिखा है मैजिक मोबाइल, और इसके लिए मैं रेंट दे रहा हूं, भाई फ्री में तो कोई नहीं लगा के देगा, इसके लिए मैं रेंट दे रहा हूं 1 लाख रुपए का। अब आप बताइए एडवर्टीजमेंट वन वाला डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, एडवर्टीजमेंट टू वाला डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। फर्स्ट वाला भूमिका बोल रही है डायरेक्ट कॉस्ट, दर्शिका बोल रही है सेकेंड वाला इनडायरेक्ट कॉस्ट। ए समझगड़ू, अमृतसर सेंटर फाइनली जाग गया, अमृतसर सेंटर अब तक आप सो रहे थे क्या? शाबाश, एकदम क्लियर हो गया आप लोगों को अभी। तो अब ये इस चीज से अपने को पता चलना चालू हो जाता है, मेरे को पता चल रहा है हाँ भाई मेरे बच्चे डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट में महारत हासिल कर चुके हैं, इनको एकदम परफेक्टली पता है डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है। शाबाश, सब लोग का सही आंसर है। पीयूष आनंद को छोड़ के, पीयूष आनंद बोल रहा है फर्स्ट इनडायरेक्ट सेकेंड डायरेक्ट, पीयूष आनंद प्लीज एक्सप्लेन मी हाउ। तो पीयूष आनंद तेरा जो एक्सप्लेनेशन है उस हिसाब से तो फर्स्ट डायरेक्ट कॉस्ट हुआ ना बेटा। ओम पंकज पूछ रहे सर फर्स्ट वाले केस में डायरेक्ट कॉस्ट क्यों होगा बताओ। चलो आप लोग बताओ फर्स्ट वाला डायरेक्ट कॉस्ट क्यों, सेकंड वाला इनडायरेक्ट कॉस्ट क्यों। पीयूष आनंद, ओम पंकज मदियार, ये सब लोग को थोड़ा कंफ्यूजन है, कम ऑन। ओम बोल रहा है सर स्क्रैच गार्ड एक्सपेंस इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ मोबाइल। ओम प्रकाश, आर यू श्योर? ओम पंकज
करेक्ट, ओम पंकज को अनुराग मित्तल का एकदम सही आंसर है, ओम पंकज। देख अनुराग ने क्या लिखा है, बिकॉज जैसे आउटपुट इंक्रीज हो रहा है वैसे ही तो हमारा स्क्रैच गार्ड का भी तो अपने को उस हिसाब से इंक्रीज होगा ना। करेक्ट दर्शिका, फर्स्ट वाले में जितना फोन सेल होगा उतने स्क्रैच गार्ड लगेंगे, इसलिए डायरेक्ट। ओम पंकज आपको समझ में आया बेटा, अनिकेश कुमार ने बोला है। अच्छा पीयूष आनंद बोल रहा है यस नाउ झकास, वाह। ओम पंकज अभी भी कंफ्यूज है, उसको समझाओ जरा। बिकॉज फर्स्ट वाले में एक्सपेंस सेल पे है और डायरेक्ट होगा, बिकॉज जितना सेल होगा उतना कॉस्ट बढ़ेगा। एकदम करेक्ट अनिकेश, तुम लोग एकदम सुपर्ब एक्सप्लेनेशन दे रहे हो यार, ऐसा लग रहा है तुम लोग मुझे सिखा रहे हो। वाह क्या बात है, फीस दूं क्या तुम लोग को मैं भी? सच्ची में तुम लोग के आंसर से ऐसा लग रहा है तुम लोग मेरे को यहाँ पे सिखाने के लिए आए हो, इतना सुपर ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन दे रहे हो यार तुम लोग। तो पंकज, ओम पंकज बोल रहे हैं स्क्रैच गार्ड एक्सपेंस तो नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड से डायरेक्टली रिलेटेड है। हाँ तो मेरे भाई इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि ये डायरेक्टली डायरेक्ट कॉस्ट है, और इसीलिए तो हम बोल रहे हैं ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है। अब ये मैंने जो लिखा है इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, और आई थिंक तुम लोग ने जवाब भी दे दिया है, जितना मैं मोबाइल फोन बनाऊंगा और सेल करूंगा उतना मुझे स्क्रैच गार्ड भी देना पड़ेगा, क्योंकि हर मोबाइल फोन के साथ एक स्क्रैच गार्ड फ्री। तो अगर मैंने 10 मोबाइल फोन बनाया तो 10 मोबाइल फोन मुझे बेचना है, तो 10 स्क्रैच गार्ड भी लाने पड़ेंगे और उतने बेचने पड़ेंगे, यानी मोबाइल फोन के प्रोडक्शन और आउटपुट के ऊपर डिपेंडेंट है स्क्रैच गार्ड का कॉस्ट, और अगर आउटपुट या प्रोडक्शन के ऊपर कोई पार्टिकुलर कॉस्ट डिपेंडेंट है तो उसको कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। शाबाश, यस ओम पंकज आर यू क्लियर? बाकी सब लोग क्लियर है, ग्रेट। और होल्डिंग लगाया मैंने मैजिक मोबाइल का, बड़ा मैंने एक मार्केटिंग लगाया, या सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन के ऊपर, स्टार प्लस के ऊपर एड दे दिया, तो वो तो मेरा एक टाइम का खर्चा है। अब उससे मेरे 10 मोबाइल भी बिक सकता है, 10,000 भी मोबाइल बिक सकते हैं, 10 लाख भी बिक सकते हैं, तो वो जो कॉस्ट है और जो मेरा प्रोडक्शन है या उसका जो सेल है उसका कोई डिपेंडेंसी है ही नहीं, डायरेक्ट डिपेंडेंसी नहीं है। डिपेंडेंसी तो है भाई, मैं तो मार्केटिंग या ये जो एडवर्टाइजमेंट है होल्डिंग वाला इसीलिए कर रहा हूं ताकि मेरा ज्यादा मोबाइल सेल हो जाए, तो डिपेंडेंसी है बट डायरेक्ट डिपेंडेंसी नहीं है। अभी अंडरस्टैंडिंग, ऐसा नहीं है कि एक होल्डिंग लगाया तो 10,000 ही बिकेगा, 10,000, 1 लाख, 10 कुछ भी बिक सकता है। परफेक्ट, सब लोगों को समझ में आ गया है। ओम पंकज मदियार अगर आप भी कंफर्म कर देंगे तो हम यहां पे कहानी को क्लोज कर देंगे। थैंक यू, चलो डन। सो आई होप वी आर एवरीबॉडी इज क्लियर। सो ये हो गया मेरा एडवर्टीजमेंट जिसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया। अगर मेरा वो स्क्रैच गार्ड वाला सिनारियो है तो मैं इसको डायरेक्ट बोलूंगा, और अगर मेरा वो होर्डिंग वाला सिनारियो है तो मैं इसको इनडायरेक्ट बोलूंगा। कोई शक? बेशक। चल डन, नेक्स्ट सॉफ्टवेयर्स। ये सॉफ्टवेयर्स पहले है क्या वो मुझे बताओ, मैंने लिख तो दिया तुम लोग के बोलने पे, बट ये क्या है सॉफ्टवेयर्स, और डायरेक्ट हो गया इनडायरेक्ट बताओ, उसी से पता चलेगा अपने को क्या है ये सॉफ्टवेयर बेसिकली, किसने बोला था सॉफ्टवेयर और क्या है ये। सब लोग बोल रहे हैं डायरेक्ट कॉस्ट, बट ये है क्या मुझे समझाओ भाई, थोड़ा मैं टेक्निकली अनपढ़ हूं, तुम्हारे जितना स्ट्रांग और स्मार्ट नहीं हूं, तो मुझे समझाओ ना जरा सॉफ्टवेयर क्या होता है बेसिकली। अच्छा ओम पंकज बोल रहे हैं सॉफ्टवेयर मींस ऑपरेटिंग सिस्टम, गुंजन बोल रही है कंप्यूटर प्रोग्राम। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे को हर मोबाइल के लिए, जैसे मेरा ये मोबाइल है तो हर मोबाइल के लिए, अच्छा अलग अलग एंड्रॉयड और अलग अलग आईओएस लगेगा, करेक्ट। तो अगर हर मोबाइल के लिए, से फॉर एग्जांपल मैं एंड्रॉयड के साथ टाई अप करता हूं, समझो मेरा है OnePlus मोबाइल फोन, OnePlus मोबाइल फोन के अंदर एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर है, तो OnePlus मोबाइल को हर फोन का एंड्रॉयड उसका सेटअप करने का, हर फोन का उसको पैसा देना पड़ेगा। तो अगर OnePlus ने 100 मोबाइल बनाया तो वो 100 मोबाइल के अंदर एंड्रॉइड का सॉफ्टवेयर जाएगा, और 100 अगर एंड्रॉइड के सॉफ्टवेयर गए अलग 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 वो अलग अलग सॉफ्टवेयर के नंबर के साथ, तो 100 सॉफ्टवेयर के लिए एंड्रॉइड को पैसा देना पड़ेगा।
बराबर है क्या, मैं सही समझ रहा हूं? तो इसका मतलब सॉफ्टवेयर बेसिकली एक डायरेक्ट कॉस्ट हुआ, तो ये बेसिकली एंड्रॉइड और आईओएस जैसा है। ओ एफा, डन, क्लियर, ओके। चल डन, नेक्स्ट, स्पेयर पार्ट्स। स्पेयर पार्ट जैसे तुम लोग का जो टिपिकल चीजें होती है, से फॉर एग्जांपल कुछ छोटा बटन डालना है, वो सब डालना है, तो वो भी डायरेक्ट नहीं जाएगा, क्योंकि जितना मैं मोबाइल बनाऊंगा उतना मुझे स्पेयर पार्ट्स बनाने की जरूरत पड़ेगी। यही है ना तुम लोग का, स्पेयर पार्ट क्या है वो बताओ पहले, कंफ्यूजन बात करते हो तुम लोग यार। पहले मेरे को समझाओ कि सॉफ्ट सा स्पेयर पार्ट मतलब ये, फिर मैं बताऊंगा वो डायरेक्ट जाएगा इनडायरेक्ट। जैसे तुम लोग ने सॉफ्टवेयर समझाया मुझे कि सर एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर, तो वन प्लस के लिए एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर एक डायरेक्ट कॉस्ट है, क्योंकि वन प्लस जितना मोबाइल बनाएगा उतना उसको सॉफ्टवेयर लाइसेंस लगेगा एंड्रॉइड का, और इसके लिए वो डायरेक्ट कॉस्ट लग गया। स्पेयर पार्ट यानी क्या? दो तरह के स्पेयर पार्ट होते हैं, एक मशीन को मेंटेन करने वाला स्पेयर पार्ट, एक तो वो स्पेयर पार्ट होता है, दूसरा के मोबाइल के अंदर लगने वाले छोटे 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 जो इंग्रेडिएंट्स है वो भी स्पेयर पार्ट होते हैं। तो तुम कौन से स्पेयर पार्ट की बात कर रहे हो मुझे जरा बताना तो। हाँ अच्छा, जस्ट लाइक साइड बटन इज अ स्पेयर पार्ट, ओके, बटन्स हो गए, ओके ओके, छोटी छोटी मिनी पार्ट्स जो भी हो गए, तो फिर वो डायरेक्ट कॉस्ट है, ठीक है। तो तुम जो जो बोल रहे हो उस हिसाब से फॉर एग्जाम्पल स्मॉल आई वुड से पार्ट्स ऑफ मोबाइल, स्मॉल पार्ट्स ऑफ मोबाइल ऐसा हुआ जैसे बटन, देन इन दैट केस मैं बोलूंगा कि ये क्या है, ये एक डायरेक्ट कॉस्ट है। बराबर, मोबाइल के पार्ट्स है बस, तो ये क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट है। अब आ जाता है मोस्ट क्रूशियल, यहां पे वापस से होने वाली है आप लोग में तकरार। मुझे बताओ एम्प्लॉय या लेबर जो है वो डायरेक्ट कॉस्ट होगा या इनडायरेक्ट कॉस्ट होगा? कम ऑन एवरीबॉडी, आंसर आपको लिखना है। हाँ, एम्प्लॉय डायरेक्ट कॉस्ट होगा या इनडायरेक्ट कॉस्ट होगा, सोच समझ के सब लोग स्टार्ट, कम ऑन, 2 मिनट दे रहा हूं। जो पेन ड्राइव गूगल ड्राइव वाले घर पे बैठे हैं प्लीज आप लोग भी सोचो, जवाब दो, डिस्कशन सुनो, और उस हिसाब से अपने आपका माइंड को लेके जाओ। बोलिए, देखा वापस से वही हो रहा है डिवीजन, कुछ लोग बोल रहे हैं डायरेक्ट कॉस्ट, कुछ लोग बोल रहे हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। बोलो बोलो, चल चल क्या होगा? वापस यहां भी एडवर्टीजमेंट के जैसा ही अपन को बाइफरकेट करना पड़ेगा कि वो एम्प्लॉई या वो लेबरर कैफा है, वो एम्प्लॉई या लेबरर कैफा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से सुनो, अगर मैं मेरे एम्प्लॉई को बोल रहा हूं, सुन एम्प्लॉई, सपोज तुम लोग सब लोग मेरे एम्प्लॉय हो, ये अनुराग, किशन, आसना, पीयूष, अमृतसर सेंटर वाले, निभा, सुमित्रा, शुभांग, हितेश, तुम लोग सब लोग मेरे एम्प्लॉय हो, ए समझे क्या, तुम लोग मेरे एम्प्लॉय हो, चलो इधर आओ। तो मैं तुम लोगों को बोलता हूं कि सुनो, एक मैक्स मोबाइल, एक मैजिक मोबाइल बनाने का, एक मैजिक मोबाइल बनाओगे ना तुम लोग, तो एक मैजिक मोबाइल बनाने का तुम्हारे को 1,000 रुपया देगा। कितना? 1,000 रुपया देगा। अगर तुमने 10 मोबाइल मैजिक मोबाइल बनाया तो 10,000 रुपया देगा। अगर अपना ऐसा अरेंजमेंट है जिसको प्यार से पीस बेसिस भी कहते हैं, जिसको प्यार से पीस बेसिस भी कहते हैं, तो आप मुझे बताओ ये क्या होगा? तो ये हो गया ऑप्शन 1, और ऑप्शन 2 है कि भाई कोई सुपरवाइजर रखा है अपन ने, वो सुपरवाइजर क्या करता है, मैनेज करता है एम्प्लॉय को, क्या करता है, मैनेज, मैनेजेस द एम्प्लॉय, मैनेजेस दी एम्प्लॉयज, समझो कोई सुपरवाइजर जो एम्प्लॉयज को मैनेज करता है, और उसको अपन दे रहे हैं 15,000 रुपया पर मंथ। आप मुझे बताइए ये सेकेंड वाला केस डायरेक्ट में जाएगा या इनडायरेक्ट में, फर्स्ट वाला केस डायरेक्ट में जाएगा या इनडायरेक्ट में? वेरी गुड, आसना बोल रही है सर फर्स्ट वाला जो है ना उसको आप कैटेगराइज कर लो एज अ लेबरर,
कि भाई जितना आएगा जितना बनाएगा उतना देगा, और सेकेंड वाइज को आप कैटेगराइज कर लो एम्प्लॉई, क्योंकि ये आपके फिक्स पेरोल पे बैठा हुआ है, 15,000 रुपया पर मंथ ले रहा है। परफेक्ट, चलो सब लोग जवाब देंगे तो मुझे उससे समझ आ जाएगा आपको समझाए या नहीं समझाए। वेरी नाइस तनीषा, पुष्पलता, पुष्पलता प्रॉपरली जवाब दे, फर्स्ट का क्या, सेकेंड का क्या, भूमिका करेक्ट, अमृतसर करेक्ट, अनुराग करेक्ट, भाई दोनों का आंसर दो सब लोग। रितिका करेक्ट, मुस्कान, मुस्कान इज ऑल्सो करेक्ट, परफेक्ट, समझ में आ गया आप लोगों को। सो अगर लेबर टाइप हुआ, मतलब जिसको पर यूनिट के बेसिस पर मैं पे कर रहा हूं, उसको मैं बोलूंगा डायरेक्ट लेबर। अदरवाइज सुपरवाइजर टाइप हुआ कि भाई आना है उसको रोज, सब लोग को देखना है, फिक्स सैलरी मिलने वाला है, प्रोडक्शन के ऊपर उसका सैलरी डिपेंडेंट नहीं है, तो उसको अपन बोलेंगे इनडायरेक्ट कॉस्ट। यहां पे अपन बोलेंगे कि अगर लेबर टाइप हुआ तो ये हो जाएगा डायरेक्ट कॉस्ट, और अगर एम्प्लॉई जैसा हुआ तो अपन बोलेंगे इनडायरेक्ट कॉस्ट। ए बच्चा सब ओके, अब तो मतलब आप लोग इतना पावरफुल हो गए हो ना ये डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट में, मुझे डर है कि मुझे कुछ देर बाद पढ़ाना ना चालू कर दो। हाँ नहीं तो और क्या। चलो नेक्स्ट है फैक्ट्री रेंट, बताइए क्या होगा फैक्ट्री रेंट का, एक कॉमन आंसर आएगा इसका सबका, कॉमन एवरीवन, फैक्ट्री रेंट क्या होगा, ये अपन डिस्कस भी कर चुके हैं ऑलमोस्ट। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, सब लोग ने सही आंसर दिया है। सर सीधी सी बात है, फैक्ट्री रेंट तो आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट ही होगा, फैक्ट्री रेंट तो आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट ही होगा। क्या होगा, फैक्ट्री रेंट तो आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट ही होगा, शाबाश। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट है मशीन्स, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको इसके लिए, सोचो देखते हैं क्या सोच पाते हो आप। मशीन्स, इधर तक सब लोगों को समझ गया ना पूरा, सही है, लिखने का टाइम दूंगा ना मैं, अभी सुनो ना, अभी फ्लो में रहो ना मेरे। हाँ मशीन्स क्या आएगा, अनुराग बोल रहा है एम्बिग्विटी है, नॉट रियली। अब मैं आपको बताता हूं क्या होगा, मशीन है ना एक कैपिटल कॉस्ट है, मशीन एक कैपिटल कॉस्ट है, अपने अभी तक जो भी कॉस्ट है वो सब कैसे रहे थे, पीएनएल अकाउंट के डेबिट, टिपिकल वैसे वाले कॉस्ट है कि भाई प्रोडक्ट से रिलेटेड खर्चा, पर मशीन तो एक कैपिटल कॉस्ट है, ये मशीन तो मेरा 5 साल तक चलेगा, ये 5 साल में मैं 50,000 मोबाइल बनाएगा, तो मशीन के केसेस में क्या होता है, डेप्रिसिएशन एक कॉस्ट बन जाता है, एंड डेप्रिसिएशन तो सीधी सी बात है एक इनडायरेक्ट कॉस्ट है, वो कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर एज सच डिपेंडेंट नहीं है। करेक्ट, समझ में आ गया, डन। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, किशन कुमार बोल रहे हैं इफ मशीन फिक्स नंबर ऑफ पीसेस बनाता है तो डायरेक्ट कॉस्ट डाल सकते हो, बट वो बहुत ओवर स्पेसिफिकेशन हो गया, बट यस योर लॉजिक इज करेक्ट कि अगर मशीन, इफ मशीन मेक्स फिक्स नंबर ऑफ पीसेस, इफ मशीन होती है, कुछ कुछ मशीन क्या होती है मैं आपको बताता हूं, कुछ मशीन होती है जो बोलती है कि भाई देख हमारे मशीन से 50,000 यूनिट ही बन पाएंगे, और वो 50,000 यूनिट का इतना कॉस्ट आता है। मेजरली जो मशीन होती है वो होती है कैसी कि भाई ये लो 5 साल तक मशीन चलेगी, जितना आपको चलाना है चलाओ, मेजरली वैसी मशीन होती है। तो अगर यहां पे बहुत ओवर स्पेसिफिकेशन है कि मशीन के नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोडक्शन गिवन है, तो फिर बाद में ये मशीन का जो डेप्रिसिएशन है उसको मैं डायरेक्ट कॉस्ट में डाल पाऊंगा, बट बहुत रेयर केस होता है, बट लॉजिकली क्वेश्चन अगर आपको ऐसा सोचना आप सोच सकते हो, अदरवाइज इट इज ट्रीटेड एज जनरल डेप्रिसिएशन इन डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है डन। हाँ अभी अपन लोग कहां पे थे, इलेक्ट्रिसिटी कहां पे जाएगा, हाँ वापस से डिविजन आ गया, इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट कॉस्ट इन डायरेक्ट कॉस्ट,
सर इलेक्ट्रिसिटी में एक फिक्स चार्ज होता है, वो इनडायरेक्ट, रेस्ट डायरेक्ट। वेरी वेरी गुड पॉइंट किशन, अमेजिंग। सर इलेक्ट्रिसिटी यूज एक पॉइंट तक जो है वो इनडायरेक्ट है, अगर बियॉन्ड दैट गया तो इनडायरेक्ट। वेरी गुड आसना, एक्सलेंट। इलेक्ट्रिसिटी उसने, ओम पंकज ने पूरा डायरेक्ट में डाला, बिकॉज इफ प्रोडक्शन इंक्रीज मशीन यूज फॉर लॉन्ग इंक्रीज, अग्रीड। बट उससे भी अच्छा गुंजन जैन भी बोल रही है बहुत, किशन कुमार और आसना ने जो मुझे आंसर दिया है उससे मेरा दिल खुश हो गया, बहुत सही जवाब दिया उन्होंने। उन्होंने बोला है कि सर इलेक्ट्रिसिटी के केस में, इलेक्ट्रिसिटी के केस में कुछ पार्ट तो फिक्स्ड होता है कि भाई इतना आना ही है, आप कितना भी यूज करो कि नहीं करो, वो पार्ट आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट हो जाएगा। तो अप टू अ सर्टेन फिक्स्ड कॉस्ट, अप टू अ सर्टेन फिक्स्ड कॉस्ट, इट विल बी क्लासिफाइड एज इनडायरेक्ट कॉस्ट, और बाकी का जो कंजम्पशन के ऊपर बेसिस है, रिमेनिंग ऑन कंजम्पशन बेसिस, रिमेनिंग ऑन कंजम्पशन बेसिस, ये हो जाएगा डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, तो अपन इसे लिख सकते हैं, तुम लोगों को ये सब लिखने का मैं टाइम दूंगा, डोंट वरी। फिलहाल अपन एक दूसरे के साथ लॉजिक्स क्लियर कर रहे हैं, ठीक है, डन। तो इसको अपन लोग बोलेंगे अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट, अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट, इसको अपन ने बोला इनडायरेक्ट कॉस्ट, और बाद में जब कंजम्पशन के ऊपर डिपेंडेंट है वो हो जाता है डायरेक्ट कॉस्ट। यस, डन। चलो नेक्स्ट, रिसर्च, बोलो बोलो, चल चल, रिसर्च, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मेरे हिसाब से ये एक इनडायरेक्ट कॉस्ट होगा, क्योंकि रिसर्च के लिए तो आप इन जनरल एक बहुत बड़ा खर्चा करते हो, बराबर है, और वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, करेक्ट, वील कॉल इट एज इनडायरेक्ट कॉस्ट। कंप्यूटर्स, देखो कंप्यूटर्स का भी मशीनरी जैसा ही है, डेप्रिसिएशन चार्ज होगा और उसको अपन इनडायरेक्ट कॉस्ट कंसीडर करेंगे। मार्केटिंग, कहना इसे अपना एडवर्टीजमेंट जैसा ही हो गया इसका, तो इधर अपन लिख देंगे सिमिलर टू एडवर्टीजमेंट। नेक्स्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, इंटरनेट कॉस्ट, सॉरी, इंटरनेट कॉस्ट कहां पे जाएगा? इंटरनेट कॉस्ट इज ऑलमोस्ट लाइक इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ज्यादा कोई उसका प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इनडायरेक्ट कॉस्ट डाल देंगे उसको। एडमिन एक्सपेंसेस, एडमिन का मतलब ही है कि ऑफिस स्टाफ को कुछ सैलरी दे दिया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का कोई टिपिकल खर्चा हो गया, ऑफिस का कोई इलेक्ट्रिसिटी या रेंट हो गया, तो ये भी क्या आएगा? इनडायरेक्ट कॉस्ट। यहां पे ऑफिस रेंट और ऐसे सब मैं लिख सकता हूं, प्रिंटिंग स्टेशनरी ये सब चीजें मैं लिख सकता हूं, उसको भी मैं इनडायरेक्ट कॉस्ट में डालूंगा। ट्रांसपोर्टेशन, गुड 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 वर्क, ये बताओ ट्रांसपोर्टेशन को क्या करूंगा, ये बताओ ट्रांसपोर्टेशन में क्या करूंगा, बोलो, ट्रांसपोर्टेशन विल गो इन, डायरेक्ट कॉस्ट, श्योर अबाउट दैट? इनडायरेक्ट कॉस्ट, श्योर अबाउट दैट? जितना ज्यादा प्रोडक्शन उतनी ज्यादा ट्रक्स भेजनी पड़ेगी, माना, बट क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, कि भाई एक प्रोडक्ट बनाओ तो एक ट्रक, दो प्रोडक्ट बनाओ तो दो ट्रक, तीन प्रोडक्ट बनाओ तो तीन ट्रक, ऐसा तो है नहीं। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कहां जाएगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? सी, अब मैं आपको बताता हूं क्या है, ट्रांसपोर्टेशन में भी ऐसा बाइफरकेशन होगा। यूजुअली ट्रांसपोर्टेशन को उन्होंने बोला है एज अ डायरेक्ट कॉस्ट, बट कौन सा ट्रांसपोर्टेशन? इफ इट इज ऑफ रॉ मटीरियल। क्यों? क्योंकि रॉ मटीरियल एक डायरेक्ट कॉस्ट है, और रॉ मटीरियल के
को अगर अपन लोग अपने ट्रांसपोर्टेशन से लेकर आ रहे हैं अपने फैक्ट्री में, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज अ डायरेक्ट कॉस्ट. इफ इट इज कंसर्न, इसको अपन ऑल में कैरियज इनवर्ड भी बोलते हैं, इसको अपन कैरियज इनवर्ड भी बोलते हैं. करेक्ट. सो कैरियज इनवर्ड, इफ इट इज कंसर्न विद, चलो इफ इट इज कंसर्न विद, बोलो कंसर्न विद व्हाट? बोलो, इफ इट इज कंसर्न विद रॉ मटीरियल ट्रांसपोर्टेशन, देन इट इज डायरेक्ट कॉस्ट, देन इट इज डायरेक्ट कॉस्ट. गॉट इट? डन. ठीक है, चलो नेक्स्ट. इसको मैं इधर लिख देता हूं. रॉ मटेरियल का ही बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन होता है वो डायरेक्ट कॉस्ट. वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग दो बेसिस पे होता है. वेयर हाउसिंग का मतलब क्या आपको बताएं? देखो वेयर हाउसिंग का मतलब क्या होता है, वेयर हाउसिंग मतलब के समझो आपने गुड्स बना दिया आपके फैक्ट्री में. अब जरूरी नहीं है आप ऑन द स्पॉट उसको सेल भी कर दो, तो आप क्या करोगे, वेयर हाउस पे लेके जाके उसको रख दोगे, और जब से जैसे ऑर्डर आते जाएगा, जैसे जैसे ऑर्डर आते जाएगा, वैसे वैसे आप रिलीज करते जाओगे. तो बेसिकली वेयर हाउस का जो रेंट है वो आपको पे करना पड़ेगा, बिकॉज वेयर हाउस का वो रेंट पीरियड के ऊपर बेस्ड है. मतलब पीरियड के ऊपर मतलब एक महीने का रेंट है 10,000 रुपया, देन इन दैट केस इट विल बिकम अ इनडायरेक्ट कॉस्ट. बट अगर वो वेयर हाउस वाला बोलते हैं नहीं नहीं आपने 10 यूनिट रखे तो आपको 10,000 रुपया देना पड़ेगा, आपने 100 यूनिट रखे तो आपको 1,00,000 रुपया देना पड़ेगा, आपने 500 यूनिट रखे तो आपको 5,00,000 देना पड़ेगा, मतलब अगर वो डिपेंडेंट ऑन यूनिट्स हुआ तो वो डायरेक्ट कॉस्ट बन जाएगा. So, अगर वेयर हाउस रेंट बेसिस पे हुआ विच इज बेस्ड ऑन ड्यूरेशन तो वो हो गया आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट. और अगर यही वेयर हाउसिंग, अगर यही वेयर हाउसिंग आपका प्रोडक्ट के बेसिस पे हुआ तो ये हो जाता है आपका डायरेक्ट कॉस्ट. डन. लास्ट है पैकेजिंग, लास्ट है पैकेजिंग. बोलो क्या आएगा उसमें? किशन कुमार बोल रहा है खुद का वेयर हाउस हुआ तो भी खुद के वेयर हाउस के लिए भी तेरे को इलेक्ट्रिसिटी और वो सब चार्जेस तो लगेगा ना, तो वो इनडायरेक्ट कॉस्ट में चले जाएगा. पैकेजिंग डायरेक्ट कॉस्ट ऑब्वियसली. से फॉर एग्जांपल ये देखो यहां पे अगर आप ये देखते हो तो ये मेरा जो अभी मैंने आपको दिखाया ना मेरा एप्पल का पेन, वो एप्पल का पेन का ये पैकेजिंग है. अब अगर मैंने एक पेन बनाया तो उसके लिए एक पैकेजिंग बनाना पड़ेगा, मैंने अगर 10 पेन बनाया देन इन दैट केस उसके लिए 10, और अगर 100 पेन बनाया तो उसके लिए 100 पैकेजिंग रखना पड़ेगा. तो अपने मैक्स मोबाइल के लिए भी, मैजिक मोबाइल के लिए भी अपने को अगर मैजिक मोबाइल 10 यूनिट बनाना है तो उसके 10 पैकेजिंग रखने पड़ेंगे, तो मेरा पैकेजिंग हो जाएगा डायरेक्ट कॉस्ट. तो मेरे इसी के साथ सारे कॉस्ट मैंने कवर कर लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में. क्या अब मैं अगर आपको पूछता हूं कि ए भाई और उसकी बहन क्या आपको डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट एग्जांपल्स के साथ समझ में आया क्या, तो आपका जवाब हाँ है या ना है जरा लिख के बताइए. झकास, ये हुई ना बात. थैंक यू सो मच अनीशा, सुमित्रा, तनीशा, अमृतसर, हितेश, अनुराग, ए कार्तिक, दर्शिका, आसना, भूमिका, अनिकेश, थक जाऊंगा मैं गुंजन. तो ओके, इससे मुझे एक आइडिया आ गया दैट यस आप लोग सब लोग को पूरी तरह
बेसिक समझ में आ गया है। किशन कुमार का एक क्वेश्चन है, मैं रीड करके बताता हूं, उसका आंसर देंगे अपन सब। सर अगर एक मैनेजर रखा है जिसका कमीशन परसेंटेज नेट प्रॉफिट बेसिस पे हो, तो उसका कमीशन डायरेक्ट कॉस्ट आएगा या इनडायरेक्ट कॉस्ट आएगा? डेफिनेटली उसका डायरेक्ट कॉस्ट आएगा, बिकॉज जितना अपन ज्यादा सेल करेंगे उतना ज्यादा नेट प्रॉफिट, और उतना नेट प्रॉफिट पे उसको कमीशन जाएगा, तो वो डायरेक्ट कॉस्ट हो जाएगा, राइट? सो कमीशन इफ इट इज ऑन परसेंटेज ऑफ सेल्स या परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट, तो वो डायरेक्ट कॉस्ट में चले जाएगा। परफेक्ट, चलो, गुड गुड क्वेश्चन। सो आई होप सब लोग को पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा बेसिक्स। अब मैं डेफिनेटली आप लोगों को टाइम दूंगा ये पूरा लिखने के लिए, करेक्ट? ये पूरा आप लोग लिख लीजिए, एंड करेक्ट, बिकॉज सेल्स इज रिलेटेड टू नेट प्रॉफिट, करेक्ट अनिकेश? सो ये आप लोग लिख लो, एंड अगेन एज आई सेड, इनिशियल 3-4 लेक्चर्स बेसिक, धीरे धीरे स्लोली स्लोली अपन लोग ऊपर बढ़ते जाएंगे। तो आज का सेशन मैं यहां पे ही फिर एंड करता हूं, जस्ट ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब कल हाई लेवल पे जाते जाएंगे अपन, बिकॉज अब ये डायरेक्ट कॉस्ट को भी बाइफरकेट करेंगे, इनडायरेक्ट कॉस्ट को भी बाइफरकेट करेंगे, और ट्राई करेंगे कॉस्ट शीट बनाना कल के कल। वी विल ट्राई दिस, अगर हुआ तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो उसके नेक्स्ट लेक्चर में, बट मैं ट्राई करूंगा कल ही ये सब चीजें हो जाए। क्योंकि कैसा है, अभी अगर मैं डायरेक्ट कॉस्ट का बाइफरकेशन कर दू ना, तो डायरेक्ट कॉस्ट तो हो जाएगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट बच जाएगा, वो फिर आधा अधूरा लगेगा। तो उससे अच्छा है अभी स्टार्ट किया है, स्लोली स्टेडिली जाते अपन। जैसा मैंने बोला, जब सम करेंगे तो ऑटोमेटिकली स्पीड भी पकड़ेगा एंड ड्यूरेशन भी अपन थोड़ा बढ़ाते जाएंगे। चलो, टाइम फॉर मी टू से हास्ता ला विस्ता। आप लोग बने रहिए, लिख लीजिए ये पूरा सब जो भी अपन लोग ने डिस्कशन किया है, एंड मिलेंगे कल विद सम मोर बेटर थिंग्स, मोर हाई लेवल कॉन्सेप्ट्स एंड मोर एड्यूटेनमेंट। टेक केयर, कीप स्माइलिंग, थैंक यू सो मच। ओके, पीयूष आनंद का आज फर्स्ट लेक्चर है। पीयूष, तो बाकी के जो 2 लेक्चर्स है ना, वो प्लीज आप यूट्यूब से देख लीजिएगा, तो आपको मजा आएगा आगे का भी सब। आई होप पीयूष आपको समझ में आया हो, आज का फर्स्ट लेक्चर है आपका तो भी। यस, थैंक यू, टेक केयर, बाय, पुष्पलता। बाकी लोग, ए भाई तुम लोग जा क्यों रहे हो, लिखो ना, ये अभी तो है ना, मैं जा सकता हूं, तुम लोगों को लिखना है अभी। यस पीयूष, आई होप यू आर क्लियर। चलो, यस, अस्तला विस्ता। चलो बाकी लोग लिखो फटाफट, चलो सबका बुक आके देखने वाला हूं मैं, एक 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 घर पे आके देखने वाला हूं। मेरे पास सबका एड्रेस तो है ही, बुक डिलीवर करने के साथ साथ ऐसा ना हो आप घंटी बजाओ और वो कुरियर बॉय मैं ही निकलू, और फिर आपको बुक, आपका जो ऑप्टिमाइज्ड बुक है उसके साथ आपके घर पे आके आपका नोटबुक भी मैं चेक कर लिया, और मुझे कुछ ऊपर नीचे दिखा तो देख लेना, फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, नहीं तो बता रहा हूं। अरे पीयूष आनंद भी बोल रहे हैं, झकास, एक्सेलेंट। पीडीएफ मिलेगा? यस, आप लोग सब लोग को इसका पीडीएफ मेल कर दिया जाएगा। ओके, आज ही आप लोग सब लोग को इसका पीडीएफ मेल कर दिया जाएगा। डन। अच्छा, ओम पंकज मुंबई में रहता है? ओम पंकज कहां पे रहता है भाई तू? तेरे तो घर पे आना ही पड़ेगा मेरे को। यादव किधर है? अमित यादव आज। चलो गाइस, आप लोग प्लीज इसको कॉपी करो, मुझे हस्ता ला विस्ता दीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल और जोश और होश और नई चीजों के साथ। अच्छा, अभी भी मुझे कुछ स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं, हम लोग के फ्रेंड्स ज्वाइन कर सकते हैं क्या? तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी जो इनिशियल अपने 3-4 लेक्चर्स है वो अपन ने यूट्यूब पे डाले ही हैं, कल से वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो उनको सिर्फ बोल देना कि कल उनको अगर ज्वाइन करना है, दे कैन ज्वाइन, एंड टुमारो का अपना जो लेक्चर है वो मॉर्निंग का है, टाइम पे आना। हाँ, तो टुमारो का जो लेक्चर है वो तुम लोग टाइम पे आना, एंड वो मॉर्निंग का लेक्चर्स में दे कैन ज्वाइन इन अलॉन्ग विद माई दिस, ठीक है? थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पेज, ठीक।